गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, हैप्पी कृष्ण हाय गुड जन्माष्टमी। मॉर्निंग सर जी। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको, जय श्री कृष्णा, सबको जय श्री जन्माष्टमी की कृष्ण, हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जैसे गीता में कहा जाए कि कर्मण्य वादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, फिर फल की चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज अ गीता इज नॉट अबाउट धर्म, गीता इज नॉट अबाउट मैनेजमेंट, राइट। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि आज हम जो भी हम काम करेंगे तसल्ली से काम करेंगे, कोई भी ह्यूमन क्राई नहीं होगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसी गलती हमें नहीं करनी जिससे हमारा सारा डिसिप्लिन खराब हो जाए। सेटअप रेडी कर लेते हैं, 2-3 मिनट है मार्केट खुलने में। कल का जो डेटा, जिस हिसाब से कल डेटा ने परफॉर्मेंस दी थी, वो डेटा बहुत अलार्मिंग परफॉर्मेंस कल थी डेटा की। बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम तसल्ली से एक्सपायरी झेल सकते हैं, खेल सकते हैं आज, ठीक है ना। आज कोई और एक्सपायरी नहीं है तो निफ्टी फ्री है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आखिरी के आधे घंटे में बाजार ने गेम बजाया था, वो गेम क्लियर था कि बहुत मोटी शॉर्ट कवरिंग, कम से कम 1.5 करोड़ शायद 3.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट कल ही स्क्वायर अप हुए थे। तो निफ्टी का रुझान, इसका मतलब पॉजिटिव होने के चांसेस हैं सितंबर महीने में। मैं निफ्टी को लेकर कोई डाउट, राइट। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि बाजार अब चलेगा कहाँ, 600 के ऊपर 130 पॉइंट चलेगा, 130 पॉइंट मिनिमम मिलेंगे। पोजिशनली म्यूट कर दीजिए ना, बहुत डिस्टरबेंस है सर, डिस्टरबेंस हो रहा है। रिक्वेस्ट है प्लीज, जिसके यहाँ पे भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज है, फैमिली की है, सब फैमिली बैठे, सब घर पे बैठे, मैं भी घर पे बैठा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अपना बैकग्राउंड नॉइज को म्यूट रखिए, मुझसे जब तक बात नहीं करनी हो, जब तक हाँ नहीं भरनी हो, प्लीज माइक को मत छेड़िए, ठीक है, ताकि लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि तो स्टेटमेंट्स मिस हो जाते हैं हाथ से, वो एक तकलीफ की वजह बन सकती है। तो इसलिए जहाँ तक निफ्टी का लेवल है, सपोर्ट है, वो अब पूरा पूरा कल 550 के आसपास का एक बड़ा जबरदस्त सपोर्ट निफ्टी ने बनाया था। निफ्टी जब तक 550 के नीचे अब नहीं जाएगी, जब तक कुछ भी खराब नहीं होगा, ठीक है, तो हम मार्क करते हैं निफ्टी का बाइंग जोन, ठीक है। निफ्टी का बाइंग जोन हमारा 550 से लेके पूरा 560-570 तक ये बाइंग जोन रहने वाला है। 550-570 से ये पूरा निफ्टी का बाइंग जोन, इसे कलर में ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ कुछ भी अगर आपको निफ्टी मिलती है सुबह करेक्शन के बाद भी, तो यहाँ पे एक बार हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये बहुत मेजर मेजर सपोर्ट है। 550-560 के आसपास मिलता है तो आराम से 500 की कॉल में ट्रेवल कर सकते हैं। 80 रुपए के आसपास की कॉल ऑप्शन में बाजार खुल गया है, ठीक है। 580 का जोन पकड़ने का नहीं है, बट ठीक है, थोड़ी देर वॉच करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा सर? जी बता रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा सर? बताओ, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। स्ट्राइक प्राइस हम अभी बता 600 के पास में है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 19,700 की पुट ऑप्शन, 19,700 की पुट ऑप्शन आप सब वॉचेस पे लगा लीजिए, 19,700 की पुट ऑप्शन, ठीक है। ऑलरेडी 21% बढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, और 19,500 की कॉल ऑप्शन में काम करेंगे, ठीक है। यही हम दो काम करने वाले हैं, 500 की कॉल ऑप्शन और 700 की पुट ऑप्शन। 650 की क्या चल रही है? 650 भी देखते हैं एक बार, 19,650 की क्या चल रही है? 87 रुपीज। तो ये दोनों हम तीनों का लगा लेते हैं, 650 की पुट ऑप्शन, 700 की पुट ऑप्शन, 500 की कॉल ऑप्शन। अब बड़ा ध्यान से समझा कीजिए मैं क्या कहता हूँ, स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली सुनिए तभी आप ट्रेड कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही रहेगा जैसे हमेशा होता है कि मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, आपको ये समझना है कि बाजार के डायरेक्शन क्या है। पहले हम डायरेक्शन की बात करेंगे, बिल्डअप्स की बात करेंगे। बाजार में जो भी डेटा काम कहेगा हम डेटा की सुनते हैं, डेटा कह रहा हूँ हम किसी चीज़ की नहीं सुनते। मैं उसके अलावा किसी चीज़ पर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी प्राइस एक्शन और किसी इंडिकेटर पर काम करता हूँ। आपको टेस्ट कराना करा सकते हैं, मुझे भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से कल देखेंगे तो ये 3 बजे वाली कैंडल थी, आपको याद होगा, ठीक है। 3 बजे वाली कैंडल ने पूरा जबरदस्त बाइंग देकर उसको सस्टेन किया था। सुबह सुबह मैंने आपको कहा था जो भी भाव मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपको याद होगा, याद है कल मैंने ये कहा था कि आपको सुबह जो भी भाव मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। तो पहले 3 मिनट के अंदर अंदर में बाजार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अब 550 का एक मेजर सपोर्ट हमें मार्क करके रखना है, जिसके लिए मैंने इस जोन को मार्क कर दिया। 570 से लेके 550-540 तक का ये पूरा का पूरा बाइंग जोन है, पूरा। ये बाइंग जोन क्यों मार्क किया? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल थी जिसने बाय किया और उसके बाद उसको मोरीबाजू, ग्रीन मोरीबाजू, सॉलिड मोरीबाजू विद सस्टेन्ड मूव। तो मैं इस मोरीबाजू को एक अच्छा मूव मानूं, एक अच्छा सपोर्ट मानूं, तो मेरा पूरा सपोर्ट हो गया 540 से लेके 550 से 570, कंप्लीट सपोर्ट जोन है।
2-3 मिनट वॉच करेंगे बाजार में क्या हो रहा है, कैसी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है ना, ताकि सिचुएशन समझ में आ जाए कि लोग क्या करना चाह रहे हैं। सर अभी एचडीएफसी का कल पूरा मूव था ये, और एफआईडीआई तो दोनों बेचे सेल करे थे। बहुत बहुत मेजर माल बेचा था उन्होंने, है ना, कल भी हम देखे थे, एफआईडीआई ने कल दोनों ने माल बेचा है। एफआई ने बेचा 3.5 हज़ार करोड़, 3200 करोड़ का माल, और डीआई ने बेचा 250 करोड़ का माल। देखिए, मैं इस पूरी नेट सेलिंग को भी मैं एक कंक्रीट डेटा नहीं मानता हूँ, उसके पीछे ये बड़े रिटेल ट्रेडर्स का शॉर्ट कवरिंग था सर, ये मतलब। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है उन्होंने एक्स शेयर बेच के वाई शेयर ले लिया हो, है हाँ सर, ना, एक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो, वाई और जेड पकड़ लिया हो, एबीसीडी में माल बेचा हो और एक्स वाई जेड पकड़ लिया हो, ये हमें नहीं मालूम, करेक्ट, इतना नहीं आता, पर हम खाली एक रैंडम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या हो सकता है। अब जब देखिए, नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव है अभी भी। मार्केट नेगेटिव, देखो मेरे हिसाब से मार्केट ना नेगेटिव बनाई जा रही है, दो चीजें कल मैं बहुत, हालांकि न्यूज वगैरह नहीं सुनता हूं मैं, कल मैं बहुत सारे लोगों को ना सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग क्या कह रहे हैं, काफी मार्केट के जो ज्ञाता कहते हैं अपने आप को, जो एनालिस्ट लोग हैं, उनका कहना ये था कि भाई मार्केट इसी महीने 1000 पॉइंट की रैली देगी, 1000 पॉइंट, विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, ठीक है, एक महीने में होने को कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, यू नेवर नो, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, दैट वी ऑल नो, हमने देखा है, सब कुछ होते हुए देखा है, कल की जो आधे घंटे की शॉर्ट कवरिंग थी वो हमने पिछले 1 साल में नहीं देखी, ऐसी शॉर्ट कवरिंग कल हमने देखी, करेक्ट, पिछले आधे घंटे की, शायद ही हमने इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग शायद 3 बजे के बाद देखी, देखिए आप लोगों ने भाई पिछले 1 महीने में वी तो नहीं शेप देखा आप लोगों ने, रिकवरी सर, पूरा वी शेप वी भी नहीं था, वो तो 90 डिग्री की रिकवरी थी, देखो ना, 90 डिग्री थी पूरी, कल पूरा बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 2 रुपए वाला 40 रुपए बिका। आवाज नहीं आई सर, प्लीज जोर से बोलिए, माइक को पास रखिए, बैंक निफ्टी में सर 200 रुपए का कॉल ऑप्शन 40 रुपए बिका कल, सोच के देखिए, ठीक दो है, रुपए का नहीं फास्ट मूव थी वो, मेरे भी पकड़ में नहीं आई, डेटा भी बहुत 2-3 मिनट का डिले मेरे पास रहता ही, डेटा 3 मिनट के बाद पता लगा भैया ये तो कमाल हो गया, अब तब तक हम हाथ नहीं लगा सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते, हमने छोड़ दिया, अब ये मूव देखो, कल सेटल नहीं हुआ आज सेटल हो गया ना, आप समझ रहे मेरी बात को, आप ये जो मूव हम सर। कल नहीं पकड़ पाए, ये पूरा मूव वापस एग्जॉस्ट हो गया, अब यहां से ही गेम बनेगा, जो भी गेम बनेगा, तो इस एरिया को पूरा मार्क करके रखो, इस एरिया से बाजार चलता है तो हम चुपचाप अपनी 500 की कॉल ऑप्शन पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है, इज इट क्लियर, जो पोजिशनल ट्रेड करेगा शाम तक, मैं शाम तक के आज के डेट को पोजिशनल कहूंगा, क्योंकि एक्सपायरी है, बिल्टअप्स नेगेटिव है, बिल्टअप्स में कोई कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा, और 5 मिनट के अंदर और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कोई बिल्टअप अभी सुबह सुबह तो नहीं हुए हैं, ध्यान से काम करेंगे, और कोई भी चीज आपके हाथ से बेवजह छूटनी नहीं चाहिए, कल आरबीआई का मीटिंग का न्यूज आ रहा था लास्ट में, सीआरआर डिसाइड करने के लिए। जी, तो आपको 550 के आसपास आएगा तो चुपचाप बाय करना है, इसमें सोचना नहीं है, ठीक है, सपोज क्या रखना है, 10 पॉइंट का, 540 का निफ्टी का, 10 पॉइंट का सपोज रखिएगा, 535-36, अगर आपको याद हो 3 दिन से 35-36 का लेवल था जिसको मार्केट टेस्ट कर रहा था बार बार, तो 550 के आसपास आएगा निफ्टी, तो हम चुपचाप से क्या करेंगे, वहां कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 10-15 पॉइंट के सपोज आप में, ठीक है, देखते हैं बाजार कैसा प्राइस एक्शन देता है, क्योंकि तो अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कितनी देर सस्टेन रहेगी, 9:25 के बाद डिसाइड करेंगे, अभी निफ्टी में सेलिंग ही चल रही है, तो अभी बाइंग की तरफ थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा इसको सेटल होने दो, शॉर्ट भी नहीं करूंगा क्योंकि सपोर्ट पे है, हेलो,
ये कॉल ऑप्शन 56 के आसपास है, कल घूमा था ठीक है ना, देखते हैं उसके आसपास कोई अच्छा ट्रेड मिलता है कि एक एनिश यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेंड के साथ रहेंगे। अभी बिल्कुल ट्रेंड नेगेटिव है ठीक है, यहां से जैसे ही हमको एक हायर लो फॉर्मेशन होगा वहां एक रिस्क लेंगे, क्विक स्कैल्पिंग होगी, एक्सपायरी है प्लीज ठीक है ना, ज्यादा इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं सोचू मुझे 6 पॉइंट में मजा नहीं आ रहा, मुझे 8 पॉइंट तो आज चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कुछ करना। अभी बहुत हैवी सेलिंग चल रही है, रुक जाओ, इसलिए मैंने ट्रेंड लगा दिया है ठीक है ना। ये इसको है कि मैं ट्रेंड की तरह इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेंड नेगेटिव है, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक बाइंग नहीं करेंगे ठीक है। क्लियर है, ट्रेड नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आएगा नहीं दिक्कत है। हम कॉल ऑप्शन में देखो होता क्या है, कभी कभी साइकोलॉजी ना फिक्स हो जाती है कि मुझे कॉल ऑप्शन ही ट्रेड करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि तो ये फॉल अगर यस ये फॉल टाइम से पहले हो गया तो मेरा पुट में दिमाग नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं, साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी उस दिन पे। कोई किसी दिन बिल्कुल फिक्स होगा, फ्री होगा माइंड, तो दोनों तरफ दिखाई देगा, ऐसा होता है सबके साथ है ना। तो यहाँ पे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें वाकई बाई की साइड में जाना चाहिए। मैं इस तरफ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बाजार में सिर्फ 10 मिनट में मुश्किल से खुले हुए, कुछ मत करो, अभी क्लैरिटी मिलेगी तब ट्रेड लेंगे, अभी क्लियर नेगेटिव ही है। पुट ऑप्शन हालांकि 80 से 100 रुपये होगी, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं है, इस तरफ वो छूट जाएगा ट्रेड, वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, विल ट्राई टू कैच आवर ट्रेड फॉर 10 पॉइंट्स। कहाँ से मिलेगा 10 पॉइंट हम लोगों को, वो देखेंगे हम ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। TTC में 5 to 7 के नीचे सेलिंग था TTC इसमें हाँ सर, में। अच्छा टीटीसी को तो रेफर करना भूल गया, कोई बात नहीं, निफ्टी टीटीसी एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। भैया देखो अगर आपको याद हो कल जाते जाते शायद प्रकाश शर्मा जी से कितनी अच्छी बात हुई थी, आधे घंटे आप लोग तो चले गए थे, कल 4-5 लोग जो आखिरी में बचे थे, प्रकाश याद है लास्ट में क्या डिस्कशन हुआ था हमारा 3:30 बजे के बाद में, याद है? प्लीज सर देखता ना, गुड प्लीज बताइए, शायद वैसे मॉर्निंग है सर। ना, हमने मैंने हमने क्या दिखा था भाई, सुबह खुले खुलते ही माल बेचना है यहाँ पे, तीसरी बात है यहाँ पे पुट ऑप्शन प्ले यस करते हैं, सर, पर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेटा अगर कुछ सपोर्ट करता है, सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी, जब तक वीक नहीं है बॉस, जब तक वो 500 550 के नीचे नहीं आएगी, 500 के नीचे तो जब तक ट्रेडिंग आती निफ्टी में सेलिंग नहीं है। कल भी 490 के आसपास गया, वहां से पूरा शार्प प्राइस आया था, आपको याद होना चाहिए ठीक है। तो 490-500 लेवल हमारे पास में बाइंग जोन है, कल से बाइंग जोन है, वो तो उस बाइंग जोन को भूलना नहीं है हमें ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, स्टॉप लॉस क्लियर रहेंगे, कल भी हमने 56 के आसपास का स्टॉप लॉस से ट्रेड किया था, अभी भी हमारे पास 56 का ही एक लेवल है जिसको वॉच कर रही है, ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। निफ्टी अभी डाउन साइड की तरफ ही दिखाई दे रही है, डाउन साइड चल रहा है, कंफर्मेशन सर आई? गुड यस मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एक कंफ्यूजन है सर, जी कल 2 3 दिन पहले मैंने बलरामपुर चीनी कुछ समथिंग कुछ स्टॉक है ना सर, बलराम चीनी, उसको बोला मैंने, हाँ सर, उसको मैंने 407 पे खरीदा था और 14.65 पे भेजा था, बेचा था कल, क्या 407 पे खरीदा और 416 पे बेचा, ओके 414, 14 पे बेचा, ओके हाँ हाँ सर, मगर मार्केट क्लोज हुआ था समथिंग अराउंड 413.65 पे, 413 पे चेंज पे कुछ ऐसे क्लोज हुआ था, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, मतलब एग्जैक्ट क्या होगा, यहाँ आपने बेचा सर, वही सेलिंग प्राइस है, डाउट क्यों है? क्योंकि मेरा ब्रोकर सर, मेरा एवरेज आप ब्रोकर क्या 1300 लिखा है, लास्ट वन आ रही ना, नहीं आप क्लोजिंग प्राइस सेटलमेंट प्राइस की बात कर रहे हैं कि आपके सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं? आपका सेलिंग तो आपका मेरे कम से सेलिंग कम प्राइस है की सर, सर, अपने कॉन्ट्रैक्ट मैंने नोट जो चेक कीजिए, क्या सर, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कीजिए अपना, हाँ सर 1 मिनट मैं भेजता हूँ सर आपको, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक कीजिए। हाँ जी वो पता, सेलिंग प्राइस आपका सेलिंग प्राइस तो वहां से पता लगेगा, क्लोजिंग का मतलब अभी आधे घंटे का एवरेज, उससे आपकी हाँ सर एक सेलिंग मिनट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। सर, मैंने तो 414 पे लगाया था सर कल, मगर इन्होंने 413 दिखा रहा है सेलिंग प्राइस। सर वो कुछ ब्रोकरेज खर्चे भी होंगे ना, देखो ना प्लीज, उसमें कुछ है क्या, एक्सपेंस भी है कुछ? नहीं सर, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस लगे थे सर, 200 300 लगे थे, फिर भी उन्होंने किया है, शायद उनके पास चेक करना, मैं जस्ट आपके पास एक क्लैरिफिकेशन इसलिए ले रहा था क्योंकि ऐसे कुछ होगा क्या अगर, बस। ठीक है सर, देखता हूँ टाइम मिलेगा तो देखता हूँ, है ना? हाँ भेजिएगा ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर, कोई भेज बड़ा दीजिएगा। इशू नहीं है सर, नहीं जस्ट नहीं पूछ बात रहा हूँ, बात बड़े की नहीं है, बात बड़े की नहीं है, नॉलेज नॉलेज किया है ना सर, बात होना चाहिए होना चाहिए।
सपोर्ट ले रहे लगता है इधर से। लेना चाहिए दोस्त, पर अभी अभी बहुत हैवी सेलिंग चल रही है, ठीक है, सेलिंग बहुत ज्यादा तेज है, इसे थोड़ा सा चौकन्ने होके हम काम करेंगे। प्लीज ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलत ट्रेड में फंसना नहीं चाहिए। हालांकि 560 के आसपास 550 का सपोर्ट है, यहाँ पे अगर पंगा लेना है तो छोटा सा ये 56 का 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड यहीं बनता था बस, और कुछ नहीं। छूट गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेना है तो प्लीज स्टॉप लॉस 56 का ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर में जाने के लिए वापस कहाँ गया, 566, 570, 580 तक का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो मोटा मोटा 20 पॉइंट, 10 पॉइंट यहाँ से ये कॉल चल सकती है, 82 तक जा सकती है। स्टॉप लॉस 1:1 है मिनिमम, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का यहाँ पे, तो वो लोग प्ले करें जो खेल सकते हैं, बाकी लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। रिस्की ट्रेडर्स या जिसका एपेटाइट है वो ट्रेड कर लें, बाकी लोग वेट एंड वॉच करें, कोई इशू नहीं है। सर ऐसा नहीं होता जैसे कि कल लास्ट में इतनी ज्यादा बाइंग आई थी और इतना मतलब ट्रेंड चेंज हो गया था, तो आज ऐसा ऑब्वियस होना चाहिए, तो गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। सर देखो शुभम, आप शायद आप भी नहीं थे शाम को 3:30 मार्केट बंद होने के बाद से, हम वहाँ पे 15 मिनट हमने यही डिस्कशन किया था कि मार्केट सुबह गैप से खुलेगी, और जहाँ तक मार्केट गई है जाना ही नहीं चाहिए, सुबह सुबह सेलिंग इसमें आ जाएगी। आप थे? हाँ, हाँ वीडियो देख ली थी मैंने, तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने कह दिया था कि भाई ये सुबह सुबह सेलिंग हाँ आएगी मैंने इसमें। कुछ दिन चल किया था सर, मैंने 5 पॉइंट स्कैल्पिंग करी और बाहर आ गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये गेम क्या होता है बॉस? नहीं बाइंग नहीं है बॉस, इस बाइंग को अवॉइड करना प्लीज, नो बाइंग, नहीं किया नहीं नो बाइंग प्लीज, कोई बाइंग नहीं गाइस, रुक जाओ। अभी बहुत ज्यादा तगड़ी सेलिंग चल रही है, बहुत तगड़ी सेलिंग चल रही है, इसको सेटल होने दो भाई। 3 बजे के आसपास कुछ 9,000 करोड़ का वो छोटा बैटरी को मिला था ऑर्डर, इसको बैटरीज में, बैटरीज। बैटरीज का ऑर्डर न्यूज हाँ शेयर करो, देखता हूँ, करते हैं एनालिसिस न्यूज का, न्यूज शेयर करो भाई। ये यहाँ से देखो फर्दर, अगर यहाँ से सेलिंग खेलनी है तो यहाँ सेलिंग खेली जा सकती है, वो एक पंगा लिया जा सकता है। मेरे हिसाब से निफ्टी ऑफ 580 को एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो 564 है, 20 पॉइंट का एसएल है, तो यहाँ पे 98 की पुट ऑप्शन है, यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल, मतलब 90 रुपये का, मोटा मोटा 90 रुपये के नीचे इस एसएल के साथ में इस पुट में पंगा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि निफ्टी में अभी भी सेलिंग ही चल रही है, अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, प्रॉब्लम ही है मालूम है। अब समझो ट्रेड डालने से पहले रुक जाओ, अपनी उंगलियां रोक लो, वरना आप लोगों को लगेगा कि ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही है आपको कि बोल क्या रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम एक सपोर्ट एरिया के पास में, सपोर्ट को ब्रेक किया जा रहा है, देखो ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पुट प्ले कर सकते हो, पुट पहले भागी 102 हो गई, शेयर कोई बात नहीं, अब रुक जाओ, इसके पीछे भागना नहीं है, नहीं पकड़ में कोई बात नहीं, पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो और मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि बाजार में सेंटिमेंट तो बायर बायर क्रिएट किया जा रहा है, पूरे न्यूज हाउसेज, मीडिया हाउसेज, सब लोगों को बैठा रहे हैं, बाइंग 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 बाइंग, बाजार चलेगा, सोचो हर तरफ से बात आ रही है, और पिछले 2-3 दिन से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी सेलिंग भी चल रही है, पता है आपको। इसके पीछे एक वजह है, निफ्टी को चलाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सामने आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से रिलायंस की एक कॉल ऑप्शन को पूरे महीने के लिए दबा के बैठ जाओ, ठीक है, पूरा एक कैलकुलेटेड ट्रेड है, पूरे महीने का ट्रेड देखेंगे, अभी 2422 खड़ा है, करें डिस्कस, करें लेना है पंगा इसमें। निफ्टी हाँ सर, यस सर, चलनी है तो निफ्टी को, निफ्टी का बाप जरूर चलाएगा, ठीक है, निफ्टी का बाप रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते बड़े ध्यान से, इस पे हमने एनालिसिस पहले भी कुछ कर रखी है, यहां से स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा खाली 20 पॉइंट्स का पूरे महीने के लिए, पूरे महीने के लिए, बहुत ध्यान से समझना सब लोग, ठीक है। 2401 रुपए का ब्रेकडाउन प्राइस है, 2401 रुपए का, ठीक है। सब लोग टीटीसी एक्टिवेट करवा लो अपने विकास से, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको स्टडी में काम आएगा, और अभी सब स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका, ठीक है। याद रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के राइट साइड का जो स्विंग पोजिशनल टारगेट है 2401, मदर ऑफ ऑल सपोर्ट, मदर ऑफ ऑल सपोर्ट, ठीक है। अभी कहाँ चल रहा है, 2420, तो खाली 20 पॉइंट, ये रिस्क लेना बनता है 100%। रिवार्ड रेशो क्या है, रिवार्ड है 2450, 2500, 2250, अब समझ रहे हो। तो निफ्टी को जो 300-400 पॉइंट की रैली अगर मिलने वाली है, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेजर योगदान होगा, ध्यान रखना, मेजर मेजर योगदान मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे पड़ाव पे है, यहाँ से 2400 तोड़ा तो फिर नीचे 100-150 पॉइंट के लिए नीचे घुस जाएगा, तो हम इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते, आप समझिए ये मौका कैसा दिखाई देगा, ये मौका कुछ हम इस मौके को ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, इस मौके को हम कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, और ये हमारा 2560, 2580, मतलब 2600 तक के लेवल निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना।
यहाँ पे एक बहुत ही कैलकुलेटेड ट्रेड दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिन से अगर आप देखोगे, पिछले 2 दिन से रिलायंस में बाइंग आनी शुरू हुई है। इनके वॉल्यूम्स देख रहे हो आप, चुपचाप वॉल्यूम्स हैं और प्राइस ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, माल एक्यूमुलेट हो रहा है। पर्सन में आ रही है, इसका मतलब कि माल एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई है। कहाँ पे, एक मेजर सपोर्ट के पास में। मेजर सपोर्ट क्या है, 2400 का। तो इसकी क्या कॉल ऑप्शन लेनी बनती है। अब हम इसको चौबीस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। रिलायंस की ऑप्शन अगर हमें देखनी है इन द मनी, तेईस सौ अस्सी देख लेते हैं, इतना उतना डीप नहीं जाएंगे, देखते सब टेस्ट करते हैं कौन कौन सी सस्ती है कौन कौन सी महंगी है, ठीक है ना। हम 2400 की लगा लेते हैं, एक सेकेंड, 2400 में लगाते हैं स्टडी करने के लिए। 2400 की कॉल ऑप्शन लगाते हैं, देखेंगे कौन सी हमें सस्ती मिलेगी, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है ना। 2400 के नीचे 2380, बीजीस पॉइंट का है इसमें, ठीक है ना। 2360, तीनों का ब्रेक भी निकालते हैं, ठीक है, समझो। सबसे पहले ब्रेक भी निकालेंगे, सबसे पहले ब्रेक भी निकालेंगे, निफ्टी सामने लगा के रखता हूँ, जो लोग निफ्टी ट्रैक कर रहे हैं ताकि ये ध्यान रहे। देखो सेलिंग चल रही है, यहाँ से रिजेक्शन जोन ही ले रहा है, तो ये पुट ऑप्शन और चलेगी, चलने वाली है, ठीक है। कोई ट्रेड कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं मिस हो गया कोई बात नहीं, घबराना नहीं, कहीं ना कहीं ट्रेड मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, कल जब 490 के आसपास से बाजार आया था, वहीं तक लोगों ने जाके वहीं से वापस शॉर्ट कवरिंग दोबारा देनी चाहिए। ये ट्रेडर्स का एक जो ऑपरेटर है उसका गेम हो सकता है ये, संकुश। वेरी सर, एक नाइस, पुट में मैंने सर 10 पॉइंट्स का ट्रेड ले लिया सर, स्क्रीनशॉट भेजा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। इसे री एंट्री करते हैं ना, ये ट्रेंड लाइन इसी के नीचे चलेगा, ठीक है। अब ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा निफ्टी, जब तक 580 के ऊपर नहीं आती, जब तक 580 के नीचे 580 के स्टॉप लॉस के निफ्टी को शॉर्ट करते रहो, ठीक है, क्लियर है। पर एक और चीज ध्यान रखना, 550 एक मेजर सपोर्ट भी है। मैं अभी इस ग्रीन बॉक्स को हटाया नहीं है मैंने, ये भी ध्यान रखना। तो 550 से 570 ये गेम होता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, वॉच लिस्ट में कॉल और पुट दोनों लगा लो, जो हमने लगाई हुई है। 500 की कॉल 60 रुपये चल रही है, वो 60 से 70 बिक सकती है बार बार। इसका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ से 56, ठीक है, ये नजदीक मिल रही है ना 56 के, 4 रुपये का स्टॉप लॉस है, ले लो 4 रुपये का स्टॉप लॉस, 4 रुपये का टारगेट, 1:1 छोटा छोटा ट्रेड कर लो बैठ के। दोबारा सब दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, समझो। 550 के पास कॉल ऑप्शन खरीदनी है, 570 के पास पुट ऑप्शन खरीदनी है, ठीक है, ये क्लियर है। 550 यस के यस पास यस सर, यस 540 के, 550 के पास 540 के, 10 पॉइंट्स निफ्टी का सॉपस, मतलब उसका 50%, मतलब 56 रुपए, 5 पॉइंट के एसएल के साथ में कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रही है और 5 पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। मोटा मोटा ये छोटी स्कैल्पिंग है, बस उतना ही देखो, हो गया 63, हो गया 62.2, हो गया करेक्ट। ये स्कैल्पिंग मिलेगी, यहाँ पे आप क्वांटिटी भी मार सकते हो जिसके पास है कैपिटल, वरना एक एक लॉट से काम करते रहो। और ऊपर में जैसे ही 575 के जोन में जाए, 585, 10 पॉइंट्स का ऊपर का एसएल लेके वहां पुट ऑप्शन खरीद लो बस, और कुछ नहीं करना। ये दो ऑप्शन पूरे दिन करते रहो। अभी यहाँ पे बाजार रुकेगा, थोड़ी देर रुकेगा, पर हैवी सेलिंग चल रही है तो ज्यादा बड़ा गेम नहीं है, 3% 5% का गेम होगा। स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस कल जंप कर गए थे, थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर पॉइंट ठीक रखो, ठीक है, ताकि आप जो पीछे से आपने जंप ना। कल बताया था सर स्टॉप लॉस के बारे में, सर थोड़ा तेज बोलिए बॉस, आपकी आवाज बहुत कम आई है। आपने बताया था ना कल की स्टॉप लॉस जंप कर गया था, जी तो जी उसके बीच बहुत में मेरा 5 पॉइंट लोग का गैप था, काफी लोगों का जंप तो कर अभी गए थे, उसमें तो गैप आप कितना रखना है सर, अभी उसमें गैप कितना रखना है सर। 1 रुपए का रखो कम से कम, 5-6 रुपए का रखने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर गेम बजा ही बजना आपका। आप तो 6 रुपए पहले से गैप में दे रहे हो एडवांस में, 1 रुपए का ट्रिगर हो जाता है निफ्टी पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1-1.5 रुपए का अच्छा सही अच्छा गैप रहता है, ठीक है। और क्या बात कर रहे थे हम, ठीक है चलो। निफ्टी ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का आपको बता दिया, ठीक है। 70 के पास निफ्टी जाती है, पुट ऑप्शन ट्रेड करना है 50 के आसपास रहती है, 540 सपोज निफ्टी को देख के लगाना है, ठीक है। जब तक निफ्टी 540 ब्रेक नहीं करती, ये नीचे वाला लाइन एसएल है 540 का, ठीक है। इस ये जोन जो है, जोन का लास्ट लाइन है, दैट इज 540। मैं इसको आपके लिए लिख देता हूँ, याद रहे अपने अपने चार्ट में मार्क कर लो प्लीज, आपके अपने चार्ट में मार्किंग हो जानी चाहिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि अभी बाजार में 550 का एक सपोर्ट है जिसको कमजोर किया जा रहा है। अभी भी तगड़ी सेलिंग चल रही है, पुट ऑप्शन मुझे लगता है यहाँ से और पैसा देने वाली है। किसी भी टाइम 550 को ब्रेक कर सकते हैं, 550 ब्रेक हुआ तो गेम रहेगा, पुट ऑप्शन की तरफ दिमाग लगाओ गाइस। मार्केट सेल ऑन राइज है, फुल सेल ऑन राइज है, तगड़ा शॉर्ट क्रिएट किया जा रहा है। और आज की एक्सपायरी में अगर इतना तगड़ा शॉर्ट सुबह सुबह क्रिएट किया गया है, अभी तक 2.5 करोड़ शेयर, 2.5 करोड़ कॉल राइटिंग हो चुकी है, 2.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, 2 करोड़
25-30 लाख है इनफैक्ट, तो ये राइटिंग बहुत भारी है। सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को फाड़ सकती है, ये जान रखना। अब समझ रहे हो, तो सेकेंड हाफ में हो सकता है हमें शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड मिले। कहाँ से मिलना चाहिए? 460 के आसपास से 100% मिलना चाहिए, 100%। कल 490 से घूम गया था, पर आज अगर उसको वाकई ताबड़तोड़ चलना है तो 460 के पैर छू के आना चाहिए, तो वहां से एकदम गोली। ये समझ में आ रही है आपको? रिलायंस की बात करते हैं, थोड़ा ब्रेक में निकाल लेते हैं सबके साथ। ब्रेक में निकालो, सबको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। 2400 की कॉल कितनी मिल रही है? 64 रुपये में। ब्रेक इवन कितना हुआ? 2400 की कॉल 64 रुपये में मिल रही है, ब्रेक इवन कितना हुआ? आवाज आनी चाहिए, माइक ऑन करो सब यार। 2464 64 में प्रीमियम जोड़ो, जिसको नहीं पता पूछो। 64 प्लस सी जो भी रेट चल रहा है, तो दिस इज माई ब्रेक इवन। जब तक वो 2464 के ऊपर नहीं चलेगा, उसमें कोई फटाफटी नहीं होगी, ठीक है। अब 2380 निकालो, 2380 का ब्रेक इवन कितना है? 77 रुपीज चल रही है, ऐड करो 2457, इसका ब्रेक इवन 2457 पे हो जाएगा। उससे कम पे हुआ ना, 2360, इसका ब्रेक इवन 91 रुपीज चल रही है, इसका ब्रेक इवन कितने पे है? 2450 के ऊपर में, ठीक है। तो ये खाली 30 रुपये महंगी है, सिर्फ 30 रुपये महंगी है, ठीक है। और नीचे की देख सकते हो, और नीचे की बताओ क्या चल रही है? 2360 2360 की तो होगी 2340 साठ है, ठीक है। 2300 देख सकते हैं बस। अब 2300 की चल रही है 143, 2440 का रेट हुआ। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है एक लॉट के अंदर में, ठीक है। और 2340 की चल रही है 112, इसका ब्रेक इवन हुआ 52 पे। तो हम 2380 2360 में ट्रेड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये भी दोनों इन द मनी है, ठीक है। जीरो नहीं होंगी, पूरा महीना पड़ा है। पूरे महीने में अगर निफ्टी को कोई चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ध्यान रखना। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीजीओ फाइनेंशियल्स का आईपीओ भी आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलायंस काफ़ी दिन से सबड्यूड भी है, शांत बैठा है, उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। और ऐसा देखा जाता है कि ये बड़े हैवी स्टॉक्स ना अपनी अपनी टर्न लेके आते हैं। कभी इस बार निफ्टी को आईटी लेके चलता है, कभी एफएमसीजी लेके चलता है, कभी फार्मा लेके चलता है ना। ऑयल एंड गैस की बात काफ़ी दिनों से ठंडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है रिलायंस जैसे काउंटर के अंदर में एक रैली आने के लिए। अब 2400 की कॉल में कितने का लॉट है? लॉट देखो कितने का है, 250 शेयर का, ठीक है। 250 शेयर का अवेलेबल मार्जिन कितना चाहिए? 16,725। 16,000 रुपये में एक लॉट आपकी कॉल ऑप्शन आ जाएगी, एक लॉट की। जिसके पास 1-2 लाख रुपए है ट्रेड कर सकते हैं, वो इस 15-16 हज़ार का रिस्क जरूर लें प्लीज। ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, पूरे महीने का मंथली पोजिशन रहे, ठीक है। इसका लॉस कब बुक करेंगे? जब निफ्टी 2400 तोड़ देगी, ये रिलायंस 2400 तोड़ देगा। ये समझ में आ रहा है गेम? यस सर। सबको समझ में आया प्लीज? यस सर। यस सर। तो जो yes, जो कैलकुलेशन स्टॉक्स में कर सकते हैं, स्टॉक में पोजिशन बना सकते हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत वैलिड ट्रेड रहेगा। 2380 या 2460 वाली कॉल ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग, इसमें 23,000 का। गुड मॉर्निंग विपुल सर। जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राकेश भाई। 2400 का क्लोजिंग बेस पे अपने स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग 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 बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे अगर इंट्राडे में सपोज सुबह सुबह 10 बजे तोड़ दिया 2400, तो सुबह सुबह निकल जाना भाई, शाम तक की क्या वेट करनी होता। 2360 खड़ा हो जाए रात को जाके, आपकी आंखों के सामने जब क्लोजिंग 2400 की आ जाए, नीचे में निकल जाने का लॉस बुक कर लेना है, तो वापस 2400 के ऊपर चले फिर घुस जाना है, ठीक है। ये ट्रेड स्टॉप लॉस री एंट्री वाला ही ट्रेड रहेगा और पूरा पोजिशन रहेगा, पूरे महीने के लिए रहेगा। निफ्टी देखो क्या कर रही है, निफ्टी का समझो, निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी वहीं पे ही स्ट्रगल कर रही है। निफ्टी की कॉल ऑप्शन 66 रुपये होगी 60 वाली, एसएल नहीं कटा। जिन लोगों को ट्रेडिंग करनी है दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, ठीक है। जैसे 580 के आसपास जाएगा, वहां देखेंगे कि क्या सिनेरियो क्या बन रहा है। ये देखो कितनी अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया ना बाजार ने। ये नंबर गेम के सपोर्ट होते हैं, ये ऐसा नहीं कि कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगा दिया हमने कि हमें लग रहा था लगाना चाहिए। इतनी बड़ी रैली हमारे यहाँ से पुट की छूटी, पर ये पुट हम कल रात को डिस्कस किया था, सुबह आके पुट ऑप्शन पकड़नी है 600 साढ़े 600, सुबह ही सुबह हमने डिस्कस किया था हमने कल रात को, और वो 40% हमारे सामने बढ़ चुकी है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, ट्रेड तो चाहिए, ट्रेड ये ट्रेड सामने पास।
शिकारी को जो शिकार करे, बाजार गिरा, गिरते बाजार में कॉल ऑप्शन खेल ली तो आपसे बड़ा शिकारी कोई नहीं है कॉन्फिडेंटली। किस किसने इसको कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से ट्रेड किया मुझे भेजो स्क्रीनशॉट, मैं देखना चाहता हूँ कौन लोग बहुत ही माइन्यूटली इसको वॉच कर रहे थे। शेख भाई ने ट्रेड किया था बलामपुर चीनी, अच्छा बलामपुर चीनी का आपने भेजा था, ओके आपको ये चेक करता हूँ मैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भेजना प्लीज आप इसका बिल अच्छे से देखेंगे। अभिषेक ने किया ट्रेड 500 कॉल ऑप्शन, वेल डन अभिषेक सुपर 700 रुपये बढ़िया। शादी राम जी ने भी ट्रेड किया शायद 1000 रुपये का, सुबह पुट में ट्रेड किया था अब कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर दिया, नहीं पुट ऑप्शन में ट्रेड किया दोनों में 1480 रुपये वेरी गुड। राहुल भाटिया, राहुल ने भी 1000 रुपये ट्रेड कर दिया 650 की ट्रेड में वेरी गुड राहुल वेरी नाइस। अंकुश की गुड मॉर्निंग हो गई 2000 रुपये की वेरी गुड अंकुश सुपर नाइस। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कंट्रोल योर ग्रीड एंड फियर। विपिन 900 रुपये, देखो विपिन आपकी शुरुआत डेली अच्छी होती है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते हो आपका एंड खराब हो जाता है ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे काम करना है दोस्त बहुत तगड़े तरीके से, ये समझ लो आप, ये बात समझ आ रही है आपको स्पेशली विपिन और विपिन जैसे जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा मैं उस जोन में बैठा हूँ जहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता, मत करो यार खाली सीखो समझो उसको दिमाग लगाओ, क्लियर है? वेरी नाइस गुड कीप ट्रेडिंग दी अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज होती है जो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो दीज आर स्क्रीनशॉट्स टिल नाउ जो हमने अभी भी डिस्कस किए आज के स्क्रीनशॉट्स, पहले में 900 रुपये विपिन का है, विपिन इसको होल्ड करना दोस्त, डेली के 2000 रुपये लेके जाओगे तो महीने के 40,000 हो जाएंगे। अंकुश 2000 रुपीज, ये राहुल भाटिया 1000 रुपये, 1400 रुपये शादी राम जी, ये भी शादी राम जी का ही था, और ये 700 रुपये किसने किया था सबसे पहले अभी आशीष या अभिषेक किसने था, अभिषेक गुड 70। देखो निफ्टी अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रेंड लाइन निकालनी है ऊपर से ठीक है, ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं। ये क्यों मार्क किया पता है, कोई ऐसे 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 क्यों नहीं किए तो बताएगा, ऐसे क्यों नहीं की या ऐसे क्यों नहीं की या ऐसे क्यों नहीं की बताओ, ये ऐसे ही क्यों किए मैंने, एनी आइडिया? अब ध्यान रखना आपको कम से कम दो टॉप चाहिए होते हैं ठीक है, एक टॉप ये था ग्रीन कैंडल का ठीक है, दूसरा टॉप मुझे कहाँ मिल रहा है नेक्स्ट कैंडल का ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मेरा ये ट्रेड ये मेरा बनेगा ऐसा ठीक है, ऊपर के दो प्राइस टच हो गए ना मेरे कम से कम दो प्राइस। अब मैं देखूंगा कि ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ छू गया कितना 567 570 के आसपास में। अब निफ्टी जब भी चलती है कम से 20 से 25 पॉइंट चलती है, मैंने आपको कहा है 550 एग्जैक्ट आई है, 550 से कितना जाना चाहिए 570 75 ठीक है, मैं आपको मैथमेटिशियन बना दूंगा ध्यान रखना मेरे साथ रहोगे तो, कि कैलकुलेशंस करनी आ जाएंगे आपको 2-3 महीने में आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे आपको खुद समझ में आएगा, आपको मजा आएगा, फिर आप जब मेरे साथ बैठोगे ना तो आप बोलोगे सर बैठना आपके साथ ही है, आप मेरी भाषा भी मुझसे बात करोगे तो जहाँ 2000 बनाते थे वहाँ 10000 बना के जाओगे तब मजा आएगा बैठ के ठीक है। नहीं तो ये रिजेक्शन मिल रहा है तो इस रिजेक्शन के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है कि रिजेक्शन सस्टेन है कि नहीं है, 550 ब्रेक नहीं किया तो ये हमारे लिए पूरे दिन के लिए एक अच्छा साइन है ठीक है। इसका ये है कि जो भी कल की जो गेम थी जो 3:15 वाली 3 बजे वाली मूव थी ये पूरी खत्म हो गई, ना जिन लोगों को इस नशे में बिठाया था उसका उनका नशा ढीला ठीक है, तो निफ्टी अब यहीं से चलेगी यहां से गेम बनाएगी। अब जो पोजीशन निफ्टी ने बनानी है अब इसकी वो एक्चुअल पोजीशंस होंगी आज के लिए, गेम खत्म बात समझ आएगा। कल की जो स्टोरी ट्रेलर बनाई थी वो लोगों ने एंजॉय कर ली एक तरफ खत्म, अब जो स्टोरी बननी है वो अब बननी है 9:50 के बाद से, क्लियर है? सो नाउ द डे स्टार्ट्स एट 9:50, अब से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, अब जो ट्रेड मिलेंगे ये हमारे बिल्कुल फ्रेश ट्रेड्स होंगे, क्लियर है जी? पहला ट्रेड कॉल ऑप्शन हमने एक्सपेक्ट की चल गया, स्टॉप लॉस क्लियर था 56 रुपए का, नहीं टूटा, नहीं टूटा ना, नहीं टूटा, इस स्टॉप लॉस नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे री एंट्रीज प्लान करनी है तो दोनों चीज लगाते हैं, दोनों तीनों चीज लगाते हैं कॉल पुट, अब हम तीनों चीजों को देखेंगे ठीक है, निफ्टी को भी देखेंगे उसकी कॉल को भी देखेंगे और उसकी पुट को भी देखेंगे, चलेगा ना? कॉल पुट नहीं, कॉल 70 रुपये हो गए भाई 70 रुपये, लुक एट द ट्रेड गाइस, लुक एट द ट्रेड 73 74 74 लुक एट द ट्रेड गाइस, लुक एट द ट्रेड
प्रोटेक्शन लगाओ, मिलेगा हर चीज, दोनों चीजों में मौका मिलेगा। आज हमें दोनों तरफ पैसा मिलेगा, ठीक है। कल हमने इसका सपोज 78 के आसपास रखा था, तो इसको भी हम 80 के आसपास देखेंगे, 78 के आसपास, ठीक है। निफ्टी जैसे ही रिजेक्शन लेगी हम अपना गेम बजा लेंगे, अभी निफ्टी ने कोई रिजेक्शन नहीं ली है। आरबीएनएल 4% ऊपर हो गया भाई, कल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, आज वापस 156 रुपये है, 82 रुपीज गाइज, 82 रुपीज, 84 रुपीज। इस एंट्री मजा पुट ऑप्शन में एंट्री करनी है क्या सर? रुक जाओ दोस्त, मैंने अभी आपको बोला फॉर्मो को फिर कंट्रोल करना, रुकना थोड़ी देर के लिए, अभी 78 पे आ गया है वो, ठीक है। रुक जाओ, 1000 रुपये आ गए भगवान की दया से, चार ट्रेड चाहिए 4000 करने के लिए, ठीक है। और पूरे दिन में चार ट्रेड मिल जाएंगे, बड़े आराम से मिल जाएंगे, कंट्रोल कर लो प्लीज, ठीक है। और डेली का टारगेट बनाओ कि मुझे 2000 कमाने या 4000 कमाने है। टारगेट जब तक सेट नहीं करोगे ट्रेडिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी। दैट इज द डिसिप्लिन विच 90% फेल्स। अब यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट था, उसको रिस्पेक्ट मिला, वेरी गुड। मार्केट 600 के ऊपर भी नहीं जाएगी, तो यहां से जैसे रिएक्शन होगी प्रोडक्शन आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग, क्विक स्कैल्पिंग के लिए ध्यान रखना, पर शॉर्ट कवरिंग अगर भारी भरकम आ गई तो क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे जब तक रिजेक्शन नहीं मिले, है कि नहीं, क्यों यूज कर रहा हूं, जब तक मुझे क्लियर रिजेक्शन ना मिले। बात समझ में आपको सबको कह रहा है, तो रिजेक्शन का वेट करेंगे, बढ़िया रिजेक्शन मिलनी चाहिए, उसके बाद हम काम करेंगे। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया है, करेक्ट। तो अगर हमें यहाँ बाय करना है तो ये कंजक्शन पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 566 का। तो क्या मैं 600 के लिए खेलने वाला हूँ? मैं अभी 600 के लिए नहीं खेलने वाला हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन थी 580 तक जाएगी। निफ्टी 550 से 580 अगर जाती, 30 पॉइंट्स का 15 पॉइंट, तो 60 वाला हमारा 75 तो बिकना चाहिए था, वो तो कम से कम बिका है, 90 हो गया, वो 90 टच हो गया गाइस। मतलब इसका नहीं कि शॉर्ट कवरिंग अभी आएगी, मेरे पास डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ है ना अभी तक, जिस डेटा के अंदर ये दिखाई दे, तो मतलब शायद ये 2-3 मिनट के बाद ही पता लगेगा कि इसमें गेम क्या हुआ है। गेम तो हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, पर कितनी हुई है उसके बेसिस पे नेक्स्ट डिसाइड करेंगे हम, नेक्स्ट मूव। मेक सेंस? यस सर। कल पोर्टफोलियो के सारे शेयर गिरे हुए थे बुरी तरह से, आज सबके सब ठीक हो गए हैं। दिस इज द गेम ऑफ द मार्केट। 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है भाई, 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसका मतलब ये है कि आज की एक्सपायरी बहुत खतरनाक वोलेटाइल होने वाली है, कल से भी ज्यादा, कल से यही कर रहे हैं, कल से भी ज्यादा, ठीक है। ध्यान रखना, बी केयरफुल, बी केयरफुल। जो डेटा मैंने बोला है, मैं इस डेटा को देखे बोलता हूँ फट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है 56 से सपोर्ट को उठा के 72 कर दो, 10 पॉइंट का एसएल। जो डेटा की रिकवरी है भाई है ना, इसको रीएंट्री करनी है सर। ये अब स्टॉप लॉस यहाँ चला गया बॉस 72 पे सर, रीएंट्री नहीं, ठीक है। अभी जो भी रीएंट्रीज हैं 600 के पास दोबारा से लेके जाने का पूरा मूड दिखाई दे रहा है, बहुत तगड़ा मूड दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन को आप 50, ये 72 के एसएल के साथ आप इसको होल्ड करके बैठ जाओ, पुट ऑप्शन अभी नहीं। इतना तगड़ा शॉर्ट कवर हुआ है, बहुत ही तगड़ा, तो 84 के आसपास चल रहा है, 72 मतलब 12 पॉइंट का एसएल, ठीक है। लेना पड़ेगा, मार्केट टू वोलेटाइल रहने वाली है, और कल हमने 636 के आसपास ट्रेड होते देखा था हमने, तो हो सकता है ये गेम वही बनाए कि निफ्टी के लेवल से निकालते फटाफट। निफ्टी 634, देखो कल 636 का आई बना था, 634 पकड़ा टीटीसी ने मोटा मोटा, तो 587 का एक कल लेवल था, और वो आज इसने ब्रेकडाउन लेवल दिखाया 587 के नीचे में, कहाँ तक जाना चाहिए था 550 तक, वहीं तक गया, उसके नीचे नहीं गया, वापस ऊपर आ गया घूम के। मतलब यहाँ से अगर नहीं टूटा तो वापस ऊपर आया ना, कहाँ या बिल्कुल एग्जैक्ट 587 वापस आ गया। अब यहाँ से जो गेम बनाएगा बनाएगा, अगर 580 का सपोर्ट बना रहा है बाजार तो अच्छी बात है, ब्लफ होगा तो भैया मैं स्टॉप लॉस देने को तैयार बैठा हूँ, ठीक है। मैं ब्लफ में नहीं बैठने वाला, मैं स्टॉप लॉस देने को तैयार बैठा हूँ कि अगर आपने चीटिंग की तो भाई मेरा स्टॉप लॉस तैयार है, सिंपल। बट दैट इज अ ह्यूज ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, आई थिंक दिस शुड सस्टेन एंड मार्केट शुड क्रॉस 630 एंड 640, वेरी गुड चांसेस कि निफ्टी का एक बाउंस बढ़िया वाला देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट 10 मिनट्स विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खेल नहीं दिखाई दिया मुझे कि वहाँ बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही मुझे, और निफ्टी में द डायरेक्शन इज प्रीटी क्लियर कि शुरुआती रुझान बता रहे कि हाँ ये पंगे तो होंगे, तो जितना ये 72 के आसपास मिले यहाँ लेना है, 72 के एसएल के साथ ही बैठना, और रीएंट्री वाला एसएल रहेगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी दो एक दो बार यहाँ पे स्टॉप लॉस पे टंगा पंगा लेंगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज लगा लेता हूँ मैं पुट ऑप्शन की जगह। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन ब्रेक आउट गाइस, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। रिलायंस चला तो समझ लो
बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंट्राडे में बाइंग करने के लिए स्टॉप लॉस 2418 रुपये, 2415 रुपये के आसपास का, 16 रुपये बॉटम है, तो ये स्टॉप लॉस के साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्ले करने की कोशिश करेंगे, ट्रैक करेंगे या खरीदेंगे, ठीक है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस चलेगा तो सब कुछ फटेगा, ध्यान रखना। बात समझ आ गई? पूरा दारोमदार रिलायंस के ऊपर रहने वाला है, रिलायंस को सामने लगा लिया है, शॉर्ट कवरिंग पकड़ लो इसको, बैठ जाओ इसको, दाढ़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है जी, अच्छी बात है। एक कॉल ऑप्शन में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, छोटे छोटे टारगेट्स बुक करते रहना। पहला टारगेट 90 रुपीज़ के आसपास का है, ठीक है, फिर 90 के बाद 100 रुपीज़ के आसपास का है, तो फिर बाद में धीरे धीरे देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस कुड बी दी स्टार ऑफ द डे गाइस, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, रेस्ट टाइम विल टेल। नीलेश यादव, नीलेश का स्क्रीनशॉट आ गया 3692 रुपये, फैंटास्टिक नीलेश। रिलायंस निकलेगा ना, रिलायंस निकल रहा है, देख लेना आप लोग, 2423 ये फटेगी निफ्टी, हो गया 90 रुपीज, हो गया कॉल ऑप्शन 90 रुपीज, रिलायंस कॉल ऑप्शन भी भाग गई, 64 वाली 67 हो गई, 68, 77 वाला माल 80 रुपये। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का खेल है बॉस, आज की डेट में निफ्टी और रिलायंस साथ में रखेंगे, ठीक है, निफ्टी और रिलायंस साथ साथ चलेंगे। सुंदर जी सर, निफ्टी में सर रिफ्रेश करो सर। नाइन्टी फोर मारा के 95 मारे थे सर। सर रिफ्रेश करो सर। म्यूट हो सर आप। सर आपका माइक ऑफ है। सो सॉरी, 95 मार दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो लोग स्टॉक ऑप्शन करते हैं उनको बिल्कुल भी उसको मिस ना करें, रिलायंस सर अभी को। इसमें रीएंट्री सर ये री एंट्रीज है भाई, री एंट्रीज ही है, री एंट्रीज है, री एंट्रीज है। चलेगा सर। स्टॉप लॉस क्लियर हो गया ना, स्टॉप लॉस 72 73 के आसपास में बस।
एक डेढ़ तो हो गया ना, 80 80 वाला 95 बिक गया ना, 84 वाला, 83 वाला, 84, 95 मिल गया ना 12-13 पॉइंट, अब तो सब लोग झेल सकते हैं। सर डीमार्ट डी मार्ट क्या हो गया दोस्त? डी मार्ट को देखो, आपको भी खुशी होगी सर। वाह चल गया, ब्रेकआउट अच्छा अच्छा खासा ब्रेकआउट है सर। शानदार शानदार ब्रेकआउट है, विद गुड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है ये, अच्छा है, वेरी आज पार्शियल बुक किया था प्रॉफिट। नाइस वेरी नाइस। बाकी आप सपोज ट्रेल करो टीटीएस के हिसाब से, चले यस सर। तो विनर्स को नहीं छोड़ना यार, ये निफ्टी का मौका है जाने का, निफ्टी की कोई मिस नहीं होनी चाहिए, कोई पुट ऑप्शन नहीं खरीदेगा, कोई दिमाग मत लगाना कि अब मैं पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ, सबके दिमाग की हवा टाइट हो जाएगी निफ्टी से, ध्यान रखना जिस हिसाब से निफ्टी में बाइंग आ रही है। एक मिनट फिर से रेंट सर। मैं री एंट्री सर, रीएंट्री ये एंड जो ट्रेडिंग का लास्ट टाइम है ऑप्शन है। बॉस, ये जोन है अभी, ये बेसिकली ये स्टॉप लॉस 70-72 भी नहीं, मैं इसको और थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा, मैं स्टॉप लॉस पे यहाँ करूंगा 70-80 रुपीज के आसपास, ठीक है? सर 80 रुपीज के आसपास मिले तो बाय करें सर, सर जोर से बोलिए प्लीज। 80 रुपीज के आसपास आए तो बाय करें सर, 20 के आसपास किसे? 80 रुपीज के आसपास आए सर, 80। हाँ, 80 रुपये के आसपास बाय करो, कोई इश्यू नहीं है, वहाँ पे सब लोग छोटा हो जाएगा। ओके सर, ये देखो, ये पूरा बाइंग जोन है, 80 हो, 84, 83 हो, 85 हो, अभी तक बाइंग जोन ही दिखा रहा है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सब लोग पहले 56 पे था, उसको बढ़ा के 72 किया मैंने, 72 के सब लोग को बढ़ा के और मैंने 80 रुपये कर दिया बोटा बोटा, 80 को 78 कर देते लोग, ठीक है, ताकि थोड़ा बफर रहे, तो ऐसा तो हमारा 78 है इसका बस। सर निफ्टी का ओवरऑल व्यू क्या है सर? सर ओवरऑल व्यू शॉर्ट कवरिंग चल रही है, हालांकि नेट टू नेट नेगेटिव है, बाय इंटरेस्टिंग नेट टू नेट नेगेटिव है, बट टेस्ट मैच में जैसे सेशंस होते हैं, ये सेशन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वो कितनी देर रहेगा हो ओके सकता है, कभी भी हमारे ऐसे चीज छूट सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना बफर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, बफर स्टॉप लॉस क्या है 78 रुपीज, बट उसके नीचे खराब है उसको री एंट्री भी है, री एंट्री स्टॉप लॉस 78 रुपीज हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है, सर, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और अगर निफ्टी ने देखो, अब हमारे पास में एक हमें एक लोअर हाई मिला, ठीक है, इसको मार्क कर दो, अब वापस से निफ्टी ने अगर ये सपोर्ट लेके, ये जो बॉक्स का सपोर्ट है हमारा 578 के आसपास, ये अगर सपोर्ट लेके इस बार चला, तो समझ लो गेम चेंज हो गया, ठीक है, ये रीटेस्टिंग करने के लिए यहाँ कहीं आ सकते हैं, कहाँ आ सकता है, एक नीचे का लेवल मार्क करते हैं, ये ऐसा मार्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास 68, 78, 75 कोई रीटेस्टिंग करके पता चलता है, तो वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ री एंट्रिंग एंड होल्डिंग अ ट्रेंड, फिर यहां से समझो कि फिर हम नए आए की तैयारी करेंगे, ठीक है, मेक सेंस? ओके सर, एक सवाल है सर, पर्सनल। जी जी बोलिए ना। आई एम नॉट हैविंग राइट टू आस्क, बट नो नो, यू आवाज कैन यू जो कैन यू कैन साउंड आ सर। रहा है,
साउंड से लग रहा है कि आप काफी कुछ बाइंग कर रहे हैं। जी भाई कर रहे हैं। अच्छा मैं एक्चुअली क्या था, कल मैंने कुछ पोजीशंस एक्स्ट्रा उठा ली थी, थोड़ा सा हल्का सा डेबिट क्लियर करना है मुझे, तो मैं वो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ कि मुझे किस चीज को कितना किस रेशियो में मुझे एग्जिट करना है, बस थोड़ा बैलेंसिंग वैलेंसिंग करने में लगा हूँ थोड़ा, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ मुझे मेरे पोर्टफोलियो को भी देखना पड़ता है पोजीशंस को। सर हमारे साथ आप नहीं ट्रेडिंग करते? अच्छा कोशिश कर लेते हैं यार, छोटी मोटी कोशिश हम भी कर मतलब लेते हैं। फटने वाली होती जी राहुल का प्रॉफिट हो गया बढ़ के 2500 से 3500। वेरी गुड राहुल, वेरी नाइस, स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। अभी बाइंग चल रही है निफ्टी में, निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। रिलायंस शुड लीड दिस रैली। सर सर बिल्कुल सर, जी सर, सर ये मेरे वायर्स में प्रॉब्लम आता है, क्या जब भी यानी स्टॉप लॉस लगाते हैं स्क्रीन पे तो ऑलवेज रिजेक्टेड होता है, क्या रिजेक्टेड होता है? यानी रिजेक्ट होता है यानी एक्सेप्ट नहीं करता होना, यानी या स्टॉप लॉस लगाओ या टारगेट लगाओ और रिजेक्टेड, और ऑलवेज ऐसा होता है कंट्रोल गया, कभी अपना टारगेट मिस हो जाता है ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर, मैंने तो काफी यूज किया था सर। इसको। नहीं सर कौन सा मैं ब्रोकर है सर? ये मैं उससे अच्छा तो मेरे को जीरोधा का लग रहा है, एटलीस्ट आप ये लगाने के बाद में तो इतना प्रॉब्लम आता है कि कभी अपन लगाते तो मिलता नहीं है ना, जो टारगेट लगाने को जाते हैं तो होता नहीं है, चेक चेक करता हूँ सर, चेक करता कभी हूँ। है ना कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसा हो रहा है ना, क्या मेरा मैन्युअली मिस्टेक स्टॉप लॉस है कटा सर? कटा कोई बात नहीं, सर? टारगेट और वो अभी दोनों कटा नहीं नहीं लग है, रहा 78.30 का लो लगा है, 78 का टाइट सॉल्व हो सर। ठीक है, तो निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग देगा यहाँ से, पर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके वापस आपको री एंट्री मिलनी चाहिए, निफ्टी के ऊपर जाना है तो ये री एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ है। अभी 80 के पास रीएंट्री कर रहे हैं क्या? जी हाँ जी, 78 का हमारा स्टॉप लॉस है बॉस। ठीक है ना, 78.30 का लो लगा है, अभी 30 पैसे से मिस हुआ है हमारा। ठीक है, मैंने पर तो एटी ये हाँ फोर का लिया हुआ है सर, जी 84 का लिया हुआ है। कोई बात नहीं, सबके लिए स्टॉप लॉस सेम है, 84 वाले का भी 90 वाले का भी, किसी ने बाकी 94 पकड़ा हुआ उसके लिए भी सेम ही है, फोमो वाले का भी वही है, नॉन फोमो वाले का भी वही है, सबका सेम है। हमें देखो क्या होता है ट्रेडिंग में, हमारा सेफ्टी जरूरी है, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ एरर हमें पता होना चाहिए कहाँ हो सकता है, वो नहीं होगा ना तो ब्लाइंड हो जाएंगे, फिर तो बेकार हो जाएगा, फिर क्या आप इमोशनल में चले जाओगे, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, कटा नहीं, आप पोजीशन को लेके बैठे हो, सोच रहे हो भगवान ऊपर ले आए ऊपर ले आए ऊपर ले आए, भगवान ने पोजीशन नहीं ली ऊपर क्यों लेके आए, है ना, हम लोग फिर वो तीर्थ की तरफ चले जाते हैं एकदम से, सबको अपने अपने इष्ट देव याद आ जाते हैं, तो इसलिए हम यहीं पे आपके भगवान को हाजिर नाजिर मान के स्वतः लगा दें, री एंट्री वहाँ कहीं प्लान कर लेंगे,
निकलेगा, निकल जाने देना। मतलब ये अगर यहाँ से 78 ब्रेक हुआ तो हो सकता है मेरे को 64 के आसपास अच्छा मिले, समझ रहे हो। फिर हमें और अच्छे सस्ते पॉइंट पर मिलते हैं, 64 से चलेगा तो फिर 90 तक का बफर बड़ा अच्छा हो जाएगा, 20-30 पॉइंट का। और हम भी क्लियर हो जाएंगे कि निफ्टी का ट्रेंड ऊपर ही है, हम भी कह सकते हैं निफ्टी 500 डिप्स है। इसलिए नेवर शफल योर सरप्लसेस प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो इनकी डिस्कस करता हूँ ऐसे कंपनी से ना, अगर ऐसा क्यों है क्या है, देखते हैं इसके ऊपर। ऐसा जब भी किसी का ऐसा होता है एक बार स्क्रीनशॉट मुझे भेज। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है भाई, कोई बात नहीं, सरप्लस लगा रहने देना, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। अगर तो सस्ती हुई तो नीचे चला जाएगा, इसलिए यहाँ से रिस्क नहीं लेना, ठीक है। निफ्टी कैसे जोन में है जो 600 के ऊपर बाजार को लेके जाना चाहते हैं, पर ऑपरेटर या जो पोजीशन जिनकी हैवी है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी यहाँ मगर के। तो कट गया सर, रखो ना। वेलकम टू दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। जानकारी के लिए 2 दबाएं। वी हैव अ ड्रिंक टू द सीएम कॉल। क्या आप ध्यान दें कि हमारे मेनू ऑप्शन बदल गए हैं, कृपया चुनाव करने से पहले ध्यान से सुनें। इक्विटी और कमोडिटी के लिए 1 दबाएं। म्यूचुअल फंड के लिए 2 दबाएं। ऑर्डर की जानकारी के सर आपका आवाज नहीं म्यूट है सर माइक का। आई एम सेइंग कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए, नए और पुराने लोगों को ये मिस नहीं होनी चाहिए चीज़ें, कि आपके जब हम एक रेंज पे काम कर रहे थे, इंपॉर्टेंट प्राइस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर वो री एंट्री वाले सॉफ्टवेयर होते हैं हमेशा, ठीक है ना। 2-3 बार जब तक वो फेल नहीं करे, जब तक आपको उसमें बने रहना है। ये मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं बाइंग 568 570 के आसपास में बाइंग इमर्ज होनी चाहिए, छोटी मोटी बाइंग दिखने के संकेत दिखे भी हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से मेरे वाला पैटर्न फॉर्म करे और चल पड़े। ऐसा इस बार हुआ तो निफ्टी फिर निकल जाएगी 640 650 के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे पोजिशन ऊपर की तरफ चलेंगी। तो यहाँ से ये स्टॉपलॉस हंटिंग है, मतलब है स्टॉपलॉस पे री एंट्रीज भी। तो आप एक्चुअल में आपके उसी प्राइस में रहते हो, 2 बार 3 बार हमारे साथ धोखा हो जाता है तो समझ लेते हैं कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, अब उसको नीचे ही रहना है, तो हम भी छोड़ देंगे उसको, फिर कोई दूसरी नेक्स्ट बेस्ट सेंटर की वेट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ट्रेड आपके हाथ से मिस भी नहीं होगा और आप बने रहेंगे कॉन्फिडेंटली कि हाँ ठीक है सपोज कटा पर फ्री एंट्री मिल गई। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, यस प्लीज। सर निफ्टी अगर यहाँ से 20 पॉइंट चलती है तो ये वाली कॉल ऑप्शन 10 रुपये चलेगी सर?
बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल। और इनका आज देखो इसका ब्रेक इवन निकालो ना, ब्रेक इवन कितना है 500 वाली कॉल ऑप्शन 80 रुपए की है, तो ये निफ्टी के साथ चलेगी आप समझो ऑलमोस्ट। इसका ब्रेक इवन कितना है 500 प्लस 83, कितना हुआ 583, मार्केट कितना चल रही है 580, तो बिल्कुल ना निफ्टी के साथ चलेगी 20 रुपए चले, तो ये भी 20 रुपए चलेगी। वो देखो री एंट्री वाला पॉइंट मिल गया वापस, आगे सब रिकवरी होगी, सारी रिकवरी एग्जैक्ट निफ्टी ने वही किया जो सोचा था, सोचो एग्जैक्टली वही किया है। अरे बोलो आवाज तो आए, वेरी यस सर यस सर, मेरे कर रहा हूँ 2 मिनट गुड। हाँ ठीक है, कोई से बात मिस हो गया सर, नहीं री कोई बात एंट्री मिस हो गया मेरे नहीं से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी बात इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ रूल्स बिल्कुल मत भूलो अपने ट्रेडिंग रूम के, रूल्स बिल्कुल नहीं भूलने। देखो क्या ट्रेड लगाने तक मिला, भाग गया प्राइस। देखो क्या ट्रेड मिला, देखो लुक एट दिस, लुक एट दिस 100 रुपीज, लुक एट दिस, लुक एट दिस। और ये वाली ऑप्शन बिल्कुल निफ्टी के साथ चलेगी, ध्यान रखना जितना निफ्टी चलेगी उतना निफ्टी की ऑप्शन चलेगी, दोनों का बिल्कुल एट पार है ये, ब्रेक इवन है, आज एक्सपायरी है भूलना मत। शुभम 1490 पे, वेरी गुड। निकेश पटेल जय श्री कृष्णा, ये था ट्रेड री एंट्री का, इसलिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस पे री एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज सिखाई है मैंने आपको जो आपको कभी नहीं सीखी आपने इतने साल के एक्सपीरियंस में। तो ये सर देखो अभी और चलेगी नहीं रुक सर, किसमें भाई, किसमें भेजना है क्या स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट जहाँ भेजे, मेरा मेरा नंबर नहीं है आपके पास में, नहीं 9811735353 नाइन ये डबल मेरा नंबर है, ठीक है फाइव स्क्रीनशॉट फाइव इस पे भेजिए। देखो अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, आप देख सकते हो मैं ऑपरेटर की चाल को कितना पकड़ पा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप साइकोलॉजी ऑपरेटर की पकड़ रहे हैं हम लोग, है या ना, यस सर। ऑपरेटर से आगे हैं हम देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर जी। तो अभी कॉल ऑप्शन ऑफ तो नहीं चलेगी सर? मूड नहीं है इसको चलाने का नहीं सर, मैंने एंट्री नहीं किया, ये इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो आपके लिए नीचे लाए इसको थोड़ा सा, री एंट्री के लिए ले आते हैं। ए आइए सर। भैया देखो मैं कहता हूँ, देखो गोल्डन ट्रेड्स ना कभी कभी मिलते हैं, आप लोग उसको प्लीज मिस मत किया कीजिए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये स्टॉप लॉस से डरना बंद कीजिए। मैं बैठा हूँ यार, मेरे साथ स्टॉप लॉस लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं बहुत कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस देता हूँ, मेरी मेरी वजह होती है स्टॉप लॉस देने की। और आप देखो री एंट्री वापस, री एंट्री, री एंट्री बोला दो बार तीन बार बोला कि री एंट्री पे स्टॉप, री एंट्री करनी दो तीन बार, दो तीन बार स्टॉप लॉस कटेगा तब सोचेंगे फेल होगा, साफ साफ बोल रहा हूँ आप लोगों को। सर प्रॉब्लम क्या होती है जब आप री एंट्री बोलते हो ना, तो जो प्राइस चलता है मैं उससे 1 रुपये या 2 रुपये कम में लगाता हूँ और वो आता सामने ही नहीं चलो, है। सामने चलो, ट्रेडर जब बनोगे तो सामने चलोगे, भाव से मत डरो। अब भाव को देखो, भाव को मत देखो, भाव अगर ऊपर का है तो फिर भाव मिल ही जाएगा यार, मान लो 86 में आपकी एंट्री होगी, उसने 90 जाना था तो आपको 86 से 90 मिले ना 4 पॉइंट, किसी यस को सर, ये 83 मैं से आपका 90 पैटर्न मिलेंगे बना रहा 7 पॉइंट, हूँ। वो सबकी अपनी अपनी नसीब है, सबकी उंगलियां उतनी तेज नहीं है, पर तो जिसकी है बिल्कुल दे दिया हूँ सर, स्क्रीनशॉट। वेल डन भाई, वेल डन, हेलो, फैंटास्टिक री एंट्री, बिल्कुल प्रकाश जी, सुपर, सर, यस ब्रदर, हेलो, यस 550 में सपोर्ट पे मैंने कॉल लिया था आपको, 300 देकर देखिए। जी भाई, देखता हूँ प्रकाश शर्मा जी री एंट्री के 3035, क्या बात है प्रकाश जी, वेरी नाइस। देखो कल कल स्टॉप लॉस की वजह से गलती से आपके 10-12 हज़ार रुपये लग गए थे शायद, है ना, हाँ सर, उसमें से 3 हज़ार रुपये हमारे वापस आ गए, वेरी गुड। थैंक्स अंकुश, अंकुश आज फ्री है, अंकुश की आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, अंकुश आज सुबह से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं अंकुश, 4800 अभिषेक। इसमें री एंट्री कहाँ बनेंगे सर? अब री एंट्री आपके हाथ से छूटी है सर, अब री एंट्री वापस निफ्टी 580 के आसपास तो अब नहीं आएगी, अब वॉचफुल रहेंगे, ध्यान रखिए अभी बाजार 600 के आ सकते हैं वापस, कोई कोई प्राइस दोबारा मिल सकता है 80-85 के आसपास में दोबारा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है री एंट्री 85-86 मिल जाएगी, बिड लगा के रखो। सर रिलायंस का क्या टारगेट इंट्राडे? रिलायंस का तो अभी हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, टारगेट तो खुला है, ठीक है सर, टारगेट खुला है, खाली हमने इसका स्टॉप लॉस डिसाइड किया है 20 पॉइंट का, बाकी पूरा खुला है। ओए ओए ओए, पकड़ो भाई निफ्टी, पकड़ो पकड़ो निफ्टी, निफ्टी भाई फाड़ देगी आज, निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेके भूल जाओ आज, आप पूरे दिन का 80 रुपए का स्टॉप लॉस छोड़ दो, कर सकते हो यस सर। 80 रुपए का मतलब 95 रुपीज चल रही है, 78 रुपीज का पूरे दिन का स्टॉप लॉस छोड़ दो, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई आवाज, आज तगड़ी, आज देखो क्या दिवाली बनती है सब लोगों की। अभिषेक के 4422, वेरी गुड।
विवेक ने किया कमाल और 1650 रुपये अंदर माला माल, वेरी नाइस। निलेश यादव 14652, बहुत बढ़िया। राकेश दुबे जी आपका मेरे को मैसेज आया नहीं, कहाँ भेज रहे हो आप? जतिन पटेल 1500 देखो, नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए। 9117353533 इधर नहीं आया मेरे पास अभी तक आपका। जयकिशन, अच्छा है, जयकिशन ने मैसेज भेजा, एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9500 करोड़ इन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर। बहुत अच्छी न्यूज है भाई, बहुत अच्छी न्यूज है। ये वापस एंट्री मिलेगी आप लोगों को, ये वापस री एंट्री का टाइम है। मेरे ख्याल से इस मूव का 50% री एंट्री रखो मोटा मोटा। कितना 1585, मतलब ये चली 80 से 100, मतलब 90 रुपये, 90-95 रुपये ये री एंट्री टाइम होना चाहिए। और पूरे दिन का स्टॉप लॉस 80 रुपये, 78 रुपीज, 80 रुपीज, भूल जाओ। लेके ये गेम बड़ा होने वाला है, बॉस ये गेम बहुत सीरियस होने वाला है। आई हैव फुल 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 फेथ। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ। सर्विस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ऑन रिकॉर्ड्स आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ना ही मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो सेबी को खुश करें, ठीक है। आपको खुश करने की क्वालिफिकेशन मेरे पास में है, वो आप मेरे साथ एक महीने से देख ही रहे हो, ठीक है। अगर आप उसमें से कोई भी इन्वेस्टर किस्म के लोग हों तो आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे सिर्फ आपसे इक्विटी शेयर करूंगा मैं, ठीक है। और उसकी कंडीशन होंगी, उसके कमर्शियल्स बिल्कुल अलग होंगे, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी, वो 1-2 लाख वाले के लिए नहीं है मेरे पास में। उस पर पूरी कंडीशन रहेगी, जो बड़ी कैपिटल के साथ काम करता है उसके। अब ये री एंट्री आ गया बॉस, ठीक है, आ गया 90 रुपये। जो लोग जिनको लग रहा था नहीं आएगा, आ गया 90 रुपये के आसपास। अभी यहाँ से वापस टर्न होना चाहिए, सपोज 10 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है। अभी री एंट्री का प्राइस है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, पूरी स्कीम ड्राफ्ट करके आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। और मैं किसी भी तरह के सेबी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, तो जिसको भरोसा हो वो मेरे साथ काम करे, जिसको भरोसा नहीं हो प्लीज बाहर रहे, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बट मेरी जो एनालिसिस स्टॉक्स ही, क्योंकि यहाँ पे सबको देता हूँ, सब फ्री में लेते नहीं है, कोई काम भी नहीं करता। तो जो लोग सीरियस लोग हैं जिनके पास है और मिनिमम कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आप ही अकाउंट रहेगा, आप ही के पास उसका होल्ड रहेगा, मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला, मैं आपसे शेयर करूंगा और दैट विल बी प्योरली प्योरली ऑन प्रॉफिट बेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, इक्विटी टिप्स, ठीक है, प्योर पोजिशनल। क्या 90 रुपीज से एंट्री, 97 रुपीज हाथ के हाथ बिड लगा के एंट्री करनी होती है मेरे कैसे, 90 से 97 हाथ के हाथ में। अभी आया व्हाट्सएप जी री एंट्री? हाँ व्हाट्सएप आया सर, बिल्कुल आया भाई, अभी देखा मैंने आपका 1422 रुपये, बहुत बढ़िया। जसन इंटरेस्टेड, ओके थैंक यू जसन। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे प्लीज मुझे मैसेज करें, ये सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे होगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया आएगा मिनिमम 10 लाख कैपिटल, उससे कम में मुझे मजा नहीं आएगा यार, आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। 97 आप लोगों ने मेरी इक्विटी को टेस्ट किया है, मैं इक्विटी कैसे रीड करता हूँ, इक्विटी कैसे निकालता हूँ, यू ऑल नो दिस राइट। जैसन गॉट योर मैसेज, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू बिल्कुल सर, विल सून सेंड यू द ड्राफ्ट, ठीक है। हेलो, यस ब्रदर प्लीज थोड़ा जोर से बोले, कौन बोल रहे हैं? प्रवीण सर, प्रवीण भाई आपकी आवाज माइक को यूज कीजिए, पास आइए ना प्लीज। 90 के आसपास मैंने बाय किया हुआ सर। हां चलने दो सर, चलने दो जी प्रवीण भाई। ये जो आप इक्विटी का बताए क्या रहेगा, यानी मंथली क्या ग्रोथ रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ये कसम खा के नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज उसमें कोई उसके वैसे काम नहीं करता। मैं आपको एक्सप्लेन करिए उसके बारे में, मैं बता रहा हूँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। इक्विटी में क्या करेंगे, इक्विटी में प्योर पोजिशनल होंगे, हमारी जो होल्डिंग होगी वो 3 से 6 महीने की होगी मिनिमम, क्योंकि कम से कम एक क्वार्टर में किसी कंपनी की वैल्यू और औकात समझ में आती है। 3 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम होगा हमारा, हमारे चाहिए तो हमें 3 महीने से पहले भी रिटर्न्स आ सकती है। अभी तक का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऊपर वाली कृपा से रहा है वो ऐसा है कि जो भी स्टॉक हम ढूंढते हैं वो शायद 10-12 दिन में भी 10% चल जाता है, ठीक है। पर मेरी वो इंटेंशन नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर अच्छी बॉटम पे पकड़ने की होती है, और मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बॉटम से जब कोई चीज पकड़ में आती है तो आपको 15-20% का जंप बड़ा शानदार मिलता है, बड़ा शानदार। लेकिन पर्पज क्या रहता है कि अगर वो 15% का जंप मुझे साल में 3 या 4 बार मिल जाए तो मैं साल में शायद 30-40-50% बना सकता हूँ, कोई चांसेस
चांस वाली बात है, पर मैं कंजर्वेटिव भी रखता हूँ उस अप्रोच को। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, इसमें पहली कंडीशन ये रहेगी, मैं बताया तो एफडी का जो बैंक इंटरेस्ट है 6% में उसको फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। 6% तक आपसे कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी, 6% तो आप ही करेगा, अभी कैपिटल का उसका अधिकार आप ही का है, ठीक है। लॉस में मैं कोई शेयरिंग नहीं करने वाला हूँ, क्लियर, जिसको भरोसा वही काम करेगा। पहली चीज, हो सकता है कोई स्टॉक खराब होगा तो लॉस ही बुक करना पड़ेगा, उसमें तो हमारे हाथ में नहीं है। देखिए कॉल ऑप्शन वापस 100 रुपए पैसे बनाए होंगे सबने, रीएंट्री किए हुए, देखो सर अभी होल्ड होल्ड रखे ना कॉल ऑप्शन, देखो देखो चल रहा है प्रॉफिट बुक, तो अभी चलेगा ये ट्रेड, ये रुके मैंने आपको क्या बोला, पूरे दिन का 80 रुपए सब होल्ड, मजे करो ट्रेड कर लो, ठीक है सर, बुक कर लिया मैंने। एक एक आदमी शाम तक 5,000 का प्रॉफिट भेजेगा आज, कम से कम मिनिमम तो मजा आएगा, ठीक है। कलेक्टिवली यहाँ बैठ के 25 लाख रुपए कमाने डेली, बोल रहा हूँ सर, ठीक है। अब समझिए कंडीशंस, कंडीशंस बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस हमारे रिलेटिव को हो गया था पास एक्सपीरियंस, उसने पोर्टफोलियो इक्विटी के लिए एक जन को दिया था, नासिक में था, और उसका 25 से उसने सीधा 19 करके हाथ में ले दिया, वो बोला भाई मेरे को नहीं करना सर, मैं तो ट्रेड करने वाला ही नहीं हूँ आपके अकाउंट में। नहीं सर, वो 9 लाख का लॉस करवाया, वो बेचारा एजेंट आदमी था, हमारा दोस्त था, वो बहुत परेशान हो गया। जैसा आप ओपन में आते हो वो कभी भी लाइव कभी नहीं आता, जी 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 और जी उनके जो स्टाफ रहते हैं वो रिप्लाई करते रहते हैं, और वो बहुत परेशान हो गए। नहीं होगा सर, इक्विटी का होगा बैड होगा नहीं, इक्विटी का बैड एक्सपीरियंस, इसलिए आप इक्विटी का टॉपिक छेड़ा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छा सर, देखो मैंने इक्विटी का टॉपिक क्यों छेड़ा, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे इसमें इंटरेस्ट शो किया, ठीक है। राइट, मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरे भी कमर्शियल है, मेरा भी कमर्शियल इंटरेस्ट है, मैं भी कमाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स इजी बात है ना। तो अगर मैं किसी चीज पे काम कर पा रहा हूँ और अगर मेरा टाइम अच्छा चल रहा है तो मैं इस टाइम को यूज करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। कमर्शियल इंटरेस्ट ये देखेंगे हम पहले, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फीस मैंने फिक्स की है इसकी, वो फीस मैं आप लोगों से पर्सनली शेयर करूंगा, ठीक है ना। मैं ये फिक्स, वो एक फीस मैं एडवांस आपसे लूंगा, ठीक है, छोटी सी फीस, वो फिक्स रहेगी, वो मेरे पास एज एडवांस रहेगा, ठीक है, आपकी सीरियसनेस को चेक करने के लिए, ताकि आप पीना भाग जाए पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो फीस रहेगी वो अगर जो मेरा शेयर रहेगा वो उसमें से एडजस्ट हो जाएगी, तो मतलब आपकी नेट जैसे कुछ जाने वाला नहीं है पहली बार। सिर्फ सीरियसनेस के लिए मैं फिक्स करने वाला हूँ कि भाई ये आपको मुझे फीस देनी ही होगी, मेरे पास रहेगी वो फीस ब्लॉक रहेगी, ठीक है। आप 1 साल से पहले उससे एग्जिट करेंगे नहीं उस स्कीम में से, 1 साल तक तो आप हमें टाइम देंगे ही देंगे, बहुत कोई इमरजेंसी, कोई किसी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपका पैसा बेसिक जब मर्जी निकले कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कोई PMS साइन तो कराने वाला हूँ नहीं। बट हाँ, अपने आप को सेफ रखने के लिए, लीगली सेफ रखने के लिए जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन करानी है वो आपसे कराऊंगा, वो आपके लिए आप बनाने करेंगे फीस, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज, 6% की इक्विटी का मेरा प्रॉमिस है कि 6% की जो बैंक की FD है जिसपे आपका अधिकार है वो आपको ही मिलना चाहिए। ओवर एंड अबाउट 6% प्रॉफिट में से मैं 15% शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी सारा 15% 15% वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 6% के बाद, पहला 6% आप ही का है, ठीक है। और मुझे अगर स्टॉक अच्छा लगेगा तो पैसे लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। बट सेपरेट अकाउंट आपको खोलना होगा उसके लिए, ताकि आपके अकाउंट में वो कैपिटल होगा, आपके पुराने मिक्स अकाउंट के अंदर वो कैपिटल नहीं होगी, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो पहले से कुछ कर रहे हो उसमें वो नहीं होगी। एक सेपरेट अकाउंट मेरे नाम से आपका, मेरे लिंक से आप एक अकाउंट खोल के रखेंगे, वन टाइम आप बाय कर सकते हैं ना सर, बस आपके अकाउंट में उसके आईडी पासवर्ड, सर उसके आईडी पासवर्ड आप ही के होंगे, वो मेरे पास नहीं होंगे। मैं आपके अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं डालने वाला हूँ, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, मैं अपना एक प्राइवेट ग्रुप फॉर्म करूंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज परचेज करनी है, आप जब बाय कर लेंगे, बाय करने के बाद कंफर्मेशन मुझे दे देंगे, उस अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे एज अ प्रूफ बाय हो चुकी है, ठीक है। वहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना किसी को कि भाई मैंने बोला 155 पे लेने के लिए और आप सोचे 152 पे थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो मैं सर की फीस बचा लूंगा, ये सब नहीं करना, ठीक है। 150 से 160 में पकड़ लेना मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एंट्री उसी दिन हो जानी चाहिए, सिंपल, जिस दिन मैं बोलूं, ठीक है, हम उसको लेके बैठेंगे। भगवान ने चाहा शायद बहुत ही अच्छे रिटर्न आने वाली है, अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। और कुंडली मैंने चेक कराई हुई, अगले 19 साल बड़े अच्छे हैं मेरे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आने वाला टाइम अच्छा रहेगा, सबका अच्छा रहेगा सर, तो पैसे बनाते हैं साथ मिलके, आपकी फर्म भी अच्छी रहे, हमारे भी अच्छे रहे, इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ सर, मैं सही समय का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल का फर्म कितना होना चाहिए जी? सिंपल नहीं बंद 10 लाख सर, कॉल ऑप्शन में 10 लाख रुपीज़ सर, 10 लाख रुपीज़
मैं इसमें ब्रैकेट बनाऊंगा, मैं इसमें ब्रैकेट बनाऊंगा सर, डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है सर, डिस्टरबेंस मैं ब्लॉक कर रहा हूँ इनके लिए, बाकी सबके माइक ऑफ कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा प्लीज, जो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ना, मुझे मार्केट के बाद एक बार मैसेज कर लें, मैं पूरा ड्राफ्ट बना के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है ना सर। मेरी एक रिक्वेस्ट, और सेशन जब ब्रेक होगा उस देख के आपको डिस्कशन लगाई हुई है, इसका टारगेट हिट हो गया तो इसका टारगेट चेंज कर दीजिए सर। भाई इसको आप बुक करते हो, देखो 10 पॉइंट्स का हमारा गेम है, ये चीज बार बार कहता हूँ, 10 पॉइंट्स आप बुक करते हो री एंट्रीज करते हो, 10 पॉइंट्स बुक करते हो री एंट्रीज करते हो, मार्केट 10 पॉइंट्स छोड़ के एकदम से नहीं भागेगा, भागेगा बाजार चलेगा, ठीक है। 600 का एक रेजिस्टेंस है, उस पर भी बाजार रुका हुआ है, पर सबसे अच्छी बात है नीचे सपोर्ट मजबूत किए जा रहे हैं, जब बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है तो फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन आसान है, तीसरा चौथा पांचवा माला बनाना आसान है, करेक्ट। तो जो नींव रहती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अभी बाजार में क्या दिख रहा है कि उसकी नींव को मजबूत किया गया है, नींव को मजबूत किया गया है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी गई है, अब उसको लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये साइन अच्छा है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए पूरे दिन का स्टॉप लॉस आज 80 रुपए है, और जब 10-10 रुपए के पॉइंट आपको मिल रहे हैं री एंट्रीज करते रहो, कोई इशू नहीं है, 90-95-96 आता है, बाय करो, बैठे रहो, इतना आपने इस ऑप्शन से कमा लिया कि 80 रुपए का स्टॉप लॉस झेल सकते हो, सबने वो पॉइंट अर्जित कर लिए हैं बाजार से, अभी तक सब स्टॉप लॉस झेल सकते हैं, अब जेब से किसी कुछ नहीं जाने वाला, सब पैसे बना के बैठे हैं, ठीक है। अब आपको इसको ट्रेल करना है, ट्रेड नहीं करना तो ट्रेल करो, खुला ट्रेल करो, कोई कोई इशू नहीं है, बाजार मेरे हिसाब से यहाँ से 635-40 चलेगा, तो ये अभी 130-40 भी हो सकती है, समझो ये ऑप्शन। फॉर्चुनेटली वो एक्सपायरी हमारे हाथ में, आज हम निफ्टी के साथ चलेंगे, वो ऑप्शन हमारे साथ में निफ्टी के साथ चलेंगे, निफ्टी गिरेगी तो हम भी गिरेंगे, निफ्टी चढ़ेगी तो हम भी चढ़ेंगे, ये ऑप्शन 50% नहीं चलेगी बिल्कुल, निफ्टी के एट पार चलेगी, क्योंकि देखो एट पार है, निफ्टी इज 593, ऑप्शन इज 97, सिर्फ 3 से 4 रुपए महंगी है, ये बात समझ में आ रहा है आपको, तो ये ऑप्शन बिल्कुल एट पार है, आप निफ्टी खरीदो या ऑप्शन खरीदो बात एक ही है, क्लियर हो गई। तो अगर निफ्टी 580 आई तो री एंट्री कर सकते हैं अभी जी सर, री एंट्री कर सकते हैं अभी, लेट हो गया, री एंट्री कहीं भी करो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बेटर है 90 रुपीज के जितना पास मिले, 90 और 100 के आसपास। देखो एक और फॉर्मूला आपको देता हूँ, 100 का ही हमारा, 100 कितने हुआ हमारा, 107 का चला कितना, 90 से 90 से 107 कितना हुआ, 17 रुपये, 17 रुपये का आधा करो कितना हुआ, 8 रुपये, करेक्ट। तो 50% 97-98 के आसपास एंट्री मारो, जो भी मूव आई है उस मूव का 50% आपका आपका री एंट्री पॉइंट है। फॉर एग्जांपल री एंट्री पॉइंट को यहाँ कर लेते हैं, देखो क्या ये री एंट्री बन रही है, पहले रेजिस्टेंस था, दिख रहे हैं ये सबको, दिख रहा है मैं yes, बताने कोशिश कर रहा हूँ, ये पहले रेजिस्टेंस था इसका, था यस सर, अब ये सपोर्ट बन रहा है यस सर, तो बन गया री एंट्री। आप अब 86 वाले स्टॉप लॉस को बढ़ा के 90 भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पूरे दिन का सरप्लस 78 का था, उसको बढ़ा के आप थोड़ा 82, 85, 85, 87 के आसपास कर दो, सरप्लस बढ़ाते रहो, डर डर और कम हो जाएगा, मेक सेंस, लॉजिकल है। निफ्टी में आपका पैटर्न बन रहा है सर जी भाई, निफ्टी में आपका पैटर्न, निफ्टी में आपका पैटर्न बन, जी जी जी, निफ्टी मेरा पैटर्न बन चुका है सर, निफ्टी मेरा पैटर्न बन चुका है, करेक्ट, निफ्टी ने मेरा पैटर्न बनाया है और अच्छे से चल भी रही है, दिस इज वेरी नाइस साइन, बस इसीलिए यहाँ थोड़ा रिस्क और रिस्क का मामला बन रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हमेशा दिखेगी, क्योंकि किसी ने लिया हुआ 70 पे, वो माल बेचेगा 80 पे, उसकी मर्जी ये बेच सकता है, राइट, वो बेच सकता है, उसको बेचने का अधिकार है। नीलेश यादव, इसमें दो ब्रैकेट बनाऊंगा मैं, देखो अगर आप लोग, अगर मैं बेसिकली मैंने कल डिसाइड किया था कि 10 लाख से कम की मैं इसमें इन्वेस्टमेंट एंटर नहीं करूंगा, पर अगर आप कुछ जितना भी आपके पास कैपिटल है जो अगर चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, मैसेज देख के डिसाइड करूंगा, छोटा कोई ब्रैकेट रखना है तो मुझे, अभी मेरा ब्रैकेट 10 लाख है ना बाबू, ये इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, ठीक है। नीलेश देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नीलेश 7,299 रुपये, फैंटास्टिक। केतन पटेल, केतन पटेल 950, 965 रुपये, बहुत बढ़िया केतन भाई। जसन 1200 रुपीज, फैंटास्टिक, गुड। और कोई भी मुझे आके ये नहीं कहेगा सर मूवमेंट नहीं पकड़ में आई, आज मैंने ट्रेडिंग नहीं कर पाया सर, मैं क्यों, कितना अच्छा गेम चल रहा है यार, कितना अच्छा गेम चल रहा है, शानदार। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं देखो कर रहे हैं, 1200 रुपये कमा लिया ना, शाम तक ही 4000 हो जाएंगे, 965 रुपये, 1400 रुपये, 7,299 रुपये। तो मैंने आज आधा कवर कर लिया सर जी, कल मेरा लॉस हो गया था, आधा मैंने कवर कर लिया, बहुत बढ़िया, 50% मैंने कवर कर लिया, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, लवली लवली, होगा बाजार में बैठेंगे तभी तो होगा। अभी देखो हम लोगों को पुराने यूट्यूबर्स ने क्या सिखाया है,
नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने सिखाया अगर आपका दिन में शुरू के आधे घंटे में लॉस हो जाए वो दिन आपका नहीं है, बाजार से बाहर बैठ जाओ, बोलते हैं ना स्टॉप लॉस कट गया बाहर बैठो, बाहर बैठो, ये सिखाते हैं सब लोग। यही सर क्यों सिखाते हैं, अकल तो होनी चाहिए ना, स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। यस स्टॉप लॉस इतना कैलकुलेटेड होना चाहिए कि अगर वहां आप देखो जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हमारा स्टॉप लॉस जब फेल होता है तो बहुत बुरी तरह से मार्केट वहां से गिरता है, अगेंस्ट जाता है उसके, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऐसे पॉइंट पे होता है वो मेकअप और ब्रेकअप पॉइंट होता है। सो दैट इज वाई वी कैलकुलेट थिंग्स, वी कैलकुलेट रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं उसके बाद गेम करने की कोशिश करते हैं। देखो ओरिएंटेड मिलिंग वापस मिला 95 से 100 रुपीज फटाक से, कितने रुपए का जॉबिंग हुआ, 5% का जॉबिंग हुआ यार। ये आदत धीरे धीरे बनेगी पर बन जाएंगी, कुछ समय बिताओगे तो बन जाएंगी। अब 78 का जो स्टॉप लॉस था उसको बढ़ा के मैंने 88 कर दिया, 10 पॉइंट ऊपर कर दिया, तो हमारा बफर और अच्छा हो गया ना। यस सर ऐसे मार्केट के साथ रहेंगे हम लोग। 87 मतलब निफ्टी 587, तो ये 587 का पॉइंट क्या है, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। देखो ये हमारा जो बॉक्स है ये बॉक्स 577 ये ब्रेकडाउन प्राइस है, तो हम इसको 787 को 78 क्या होता, पर ठीक है इसको थोड़ा ये रखते हैं अभी। री एंट्रीज मिलती रहेंगे, 5-5 पॉइंट का ट्रेड करते रहो, बड़ा ट्रेड ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाएगा। एटलीस्ट वी आर क्लियर अबाउट द डायरेक्शन वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, सिंपल। सुपर निलेश, निलेश आवाज तो लगाओ यार, तुम खाली स्क्रीनशॉट भेजते हो आवाज नहीं आती भाई। निलेश कहाँ हो? अरे सर जी ऑफिस का काम भी साइड में चालू रहता है ना इसके। तो क्या हुआ यार, एक बार तो आवाज आनी चाहिए दोस्त है। यस सर नेक्स्ट टाइम से आवाज लगाओ। हाँ आवाज आनी चाहिए दोस्त, आवाज आनी चाहिए। देखो निलेश 9645 फैंटास्टिक गुड, चार या पांच री एंट्रीज हो गई, वो मतलब 3000 से चालू किया था 9000 तक पहुंच गया। 9000 हो गया, देखो ये तो क्वांटिटी फिक्स किया हुआ है। यस यस सर क्वांटिटी उतना ही। कितना? अपना 400 का करता हूं मैं फिलहाल। इसी पे करते हो, छेड़ते नहीं हो? नहीं नहीं ऊपर नीचे नहीं करता। सुपर सुपर, अब चलेगी निफ्टी, अब चलेगी निफ्टी फटाफट, अभी पकड़ के बैठो, अब निफ्टी बढ़िया बाउंस देने वाली है। देखो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले रही है अपना, दे रही है यहाँ पे, यहां से पता चलना चाहिए। गुड परसेंटेज ऑफ मार्केट मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, यहां से किसी का सर्प्लस कटेगा भी तो वापस री एंट्री बनेगी, ध्यान रखना ये खाली ब्लफ है और कुछ नहीं है। अब यहां से एक ब्रेकआउट ऐसा देखने को मिलेगा, ये वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो रिलायंस अपनी कंसोलिडेशन कर रहा है, रिलायंस का मूड है ऊपर जाने का, ठीक है। रिलायंस का स्टॉप लॉस जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, रिलायंस का पूरे दिन का पूरे महीने का स्टॉप लॉस है 2400 रुपये का, 2401। आज का इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 2417। सर रिलायंस में पोजीशन बनानी है तो सर बना सकते हैं? हाँ सर पूरी मंथली पोजीशन बना सकते हैं, 2400 के स्टॉप लॉस के साथ में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सर इसका ऊपर में टारगेट। और उसके अलावा सर और कोई स्टॉक सर आपके ध्यान में जिसमें मतलब पोजीशनल व्यू बना सकते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए? यार आज तो मैंने रिलायंस ही निकाला है, बाकी और निकालते हैं आज। फ्यूचर में बताइएगा सर अगर पॉसिबल हो तो। फ्यूचर में? हाँ जी हाँ फ्यूचर, हाँ फ्यूचर फ्यूचर सर, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू रिलायंस द बेस्ट है, रिलायंस द बेस्ट है। ओके ओके सर, रिलायंस इज द बेस्ट, इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी। ठीक है सर, देखिए कॉल ऑप्शन दे रही है पैसा आपको फिर से 90 से 100, 10 पॉइंटर गेम, 2, 3, 4, 5 गिनती आती सब लोगों को, काउंट करो 6, 7, 8, 9 निफ्टी 600 पार हुआ ब्रेकआउट,
हुआ ब्रेकआउट? यस सर। 11 फटाफटी, क्या बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना मराठी लोग, फटाफटी फटाफटा। 110 प्रॉफिट बुक करते रहो, री एंट्रीज मारते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, री एंट्रीज मारते रहो। अभी तक कितने पॉइंट कमा लिए? जितने निफ्टी नहीं चली उससे ज्यादा पॉइंट आपने कमा लिए। सर एक स्क्रीनशॉट भेजा है वो एक बार देख लो, कैपिटल अमाउंट भी देख, सुन लेना मेरा कैपिटल मेरा खाली 40,000 का। 40,000 की कैपिटल के ऊपर में 18,000 का प्रॉफिट, शानदार। सब लोग नीलेश को बधाई दें प्लीज, सब लोग नीलेश को बधाई दें। लव यू टू शुभम, वेरी गुड। 100 रुपए भाई, एक दूसरे को बधाई दो, ये बधाई देंगे ना तो अपने पास भी घूम पलट के आता है वो। देखो 121 रुपए अभी लगाया था आपके लिए, 121 का टारगेट लगाया था ना। निफ्टी 605 कॉल ऑप्शन ज्यादा बाकी है, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, गेट आउट एक बार के लिए, क्योंकि निफ्टी मैच नहीं कर रही है अभी, थोड़ा महंगी है, नीचे सेटल हो सकती है, 605 के आसपास वापस मिल सकती है, 100 रुपए के आसपास में, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट बुक करो फुल एक बार, देखिए मैच नहीं कर रहा है। फारूक भाई, फारूक भाई, मेमन भाई, क्या किया अरे मेरे लाल मेरे दोस्त, कितना किया क्या? चुपचाप 2500 रुपए एक तरफ, खूब भालो। अरे स्क्रीनशॉट क्या, दो चार आदमी क्या, क्या कंजूस लोग है भाई, सबके आने चाहिए, खड़ाकर भेजो, लाइन लग जानी चाहिए स्क्रीनशॉट की। जय किशन कितना किया, 1470, फैंटास्टिक, लवली लवली। प्रॉफिट बुक करो फुल, प्रॉफिट बुक करो, 104-105 के आसपास में दोबारा मिल जाएगी, ठीक है 5 के आसपास में सेटल हो जाएगी। निफ्टी अभी 606 चल रही है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। देखो कितना मारा, 119 मारा, 121 तक अड़ा के था मेरा। अजय वेरी गुड अजय, तो अजय अजय ये क्या कर रखा है अजय, अजय यस सर, ये क्या कर रखा था भाई ये? कल सर एसएल नहीं लगा पाया मैं। अच्छा कल का 650 की पुट शॉर्ट की थी आपने, क्या लेके गए थे? हाँ जी लेके गए थे, आप खरीद के गए थे कल? हाँ जी। तो 650 की पुट में तो शुरू से पैसे आ गए थे एक बार तो। हाँ जी, और लास्ट में जो 3 PM वाला मूव था उसमें हो गया था ये। पर भाई एक बात बताओ दोस्त, आप तो बहुत उल्टे पुलटे, लॉट साइज आपके बहुत ऊपर नीचे होते हैं यार। हाँ जी सर कल हो गया था, आज वाले में थोड़ा हुआ कवर सर। चलो ठीक है, 30,000 रुपए कवर हो गए, वेरी गुड। 30,000 अमरनाथ खान, 830 रुपए ये भी ना बाद, फैंटास्टिक सेकंड प्रॉफिट। सुभाष यादव जी कितना किया दोस्त? 400 कितना प्रॉफिट दिख नहीं रहा इसमें, 432 रुपए चलेगा। और एक और स्क्रीन शॉट आया है, किसका है ये? किसका है? विवेक, विवेक, विवेक का हो गया 346 रुपए, ये भी ना बात। देखो आ गया ऑप्शन वापस, देखो 111 रुपए के आसपास आ गया सर। री एंट्री कब बनेगी? री एंट्री बनेगी ना 105 106 के आसपास में, बिल्कुल बनेगी, 104 के आसपास में। सो 4 मेरा पता नहीं, पता नहीं क्यों पेटीएम मनी में अकाउंट है सर। अच्छा पता नहीं सर, अभी भी नहीं कट रहा, पता नहीं क्या हुआ। अभी भी नहीं कट रहा? नहीं सर, ऑर्डर डाला हुआ था फिर भी नहीं कटा। अरे यार सावित्री मैडम 6,300 फैंटास्टिक। सावित्री मैडम वेयर आर यू, आई हैवंट हर्ड यू सिंस मॉर्निंग। प्रकाश शर्मा 4,430 फैंटास्टिक। यस मैडम ओनली मिंटिंग मनी, नॉट सेइंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। अनदर 4-5 मंथ्स निफ्टी विल फायर फ्रॉम हियर, कैच कैच इट, निफ्टी विल फायर भाई, निफ्टी फाड़ेगी, बहुत बहुत फाड़ेगी, निफ्टी विल रन लाइक एनीथिंग, इट इज गोइंग टू बी मैड। डोंट मिस रिलायंस इंडस्ट्रीज माय डियर फ्रेंड्स, Do not miss Reliance Industries, my dear friend. Sir, I'm telling you, I'm stressing again and again. Just keep your pesa, do not miss Reliance Industries. Believe me, it's on fire today. And please keep your mics off. Ramesh, itna shor hai yaar. Come on, bhai. Sharma ji. Shadi Ram Sharma ji. ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टॉप लॉस को बढ़ा के 100 रुपए कर दो, चलेगा? हमारा स्टॉप लॉस ऐसे भागता है, देखो स्टॉप लॉस हमने 100 रुपए कर दिया, फाइन सर। ऑर्डर ही नहीं कट रहा मेरा तो, पता नहीं क्या हुआ। चलो कोई नहीं, आप उधर ध्यान दो, कट जाएगा, रिफ्रेश करो, लॉग इन लॉग आउट करो, लॉग इन लॉग आउट करो। हम लोग 625 के लिए चलेगी, ये बिकेगी 25-30 भागेगी, इसका नेक्स्ट टारगेट 121 नहीं 132-130 के आसपास का टारगेट है, ठीक है? डू नॉट मिस दिस रैली नाउ। अंकुश इज स्माइलिंग, अंकुश इज ऑन हॉलीडे टुडे,
सर मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ सर। तो भी देना था क्या क्या बात ये? लवली क्या फॉलो अप? स्टॉक मार्केट के सर ट्रेडर्स अभी तो सुबह से रीएंट्री पिक्चर कहाँ पे देखने का करनी है कोई इसमें? अधिकार नहीं है जी भाई। भाई रीएंट्री कहाँ पे करनी है अभी? रीएंट्री पकड़ के बैठ जाओ 100 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने, ठीक है? मेरी कोशिश होती 106-107 के आसपास मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, ठीक है? नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा, मिल जाना चाहिए 6-7 के आसपास, मिल जाना चाहिए 7 रुपए के आसपास लगा के छोड़ दो, मिल जाएगी शायद। ओके सर। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दे देता हूँ, आज मैंने आपको दो स्टॉक नहीं बताए, ठीक है, जानबूझ के नहीं बताए आपको, सर आपको टीज करने के लिए, ठीक। सर आई एम अनाउंसिंग माय पीएमएस सर्विस, राइट? आई थिंक यू आई टोल्ड यू लॉन्ग बैक सर यू डिड आई एम स्टार्टिंग इन नाउ, आई एम स्टार्टिंग इन नाउ, आई हैव बॉट जेपी पावर टुडे सर। बताना बताने से पहले अगर प्रॉफिट तो उसमें बीस होगा तो रुपए सबको पार्टी देनी पड़ेगी सर, उसके बाद ही दिखाना नहीं, चलो पार्टी देने का मूड नहीं, नहीं दिखा रहा, जाओ। You were telling to buy Reliance, correct? Yes, ma'am. Okay. 121 guys. 121. Nifty is on ride now. Nifty is on a serious, serious ride, guys. Fantastic. I'll share you screenshots in a moment. Shubham, 4750. Shubham, I'm really, really happy for you, bro. बहुत बढ़िया। एक-एक दिन में, एक-एक दिन के में पूरे महीने की फीस निकलती है एक ट्रेड के अंदर में। एक ट्रेड के अंदर में, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबॉडी इज मेकिंग प्रॉफिट हियर, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, स्टन्ड, हैप्पी, नो वर्ड्स, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। 4750, 4440, 6330, 602 रुपीज, 2346, 432 रुपीज, नॉट अ प्रॉब्लम, 832 रुपीज, 29,510। ये कल का इन्होंने कल ये कह रहे थे निफ्टी का पुट ऑप्शन लेके चले गए थे गलती से, ठीक है, तो सुबह कटे नहीं इनसे, अगर नहीं कट टाइम पे काटी होती तो इसमें बहुत मोटे पैसे आते इसमें, ठीक है, बट ये चीजें सब रिकवर हो गई, नॉट अ प्रॉब्लम। 1470 कॉल ऑप्शन री एंट्री दे रही है सर, बिल्कुल री एंट्री है बॉस, री एंट्री है ये, बैठे भाई साहब 2500 रुपये कमा गए फरुख भाई, 3,800 रुपीज, दिस इज वॉट वी आर डूइंग, 17,595, दिस इज बाय निलेश, बाय यूजिंग ओनली 40,000 कैपिटल, बाय यूजिंग ओनली 40,000 कैपिटल, लाइव ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग रूम 17,600, फैंटास्टिक निलेश, एंड ट्रेडिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। अरे सर ये है जी, 40,000 रुपये से 20,000 रुपये कमाए भाई, अपना तो माइंड कोई बात नहीं आएगी, दिल्ली दूर नहीं है, 1200 रुपये, 965, 7 to 11 लाइन, अभी पुराने हुए, चलिए री एंट्री बिली 114 पे, 116 अगेन, निफ्टी इज ऑन अ रैली, निफ्टी इज ऑन अ वेरी वेरी गुड रैली गाइस, आई एम यू मेड वेरी इजी सर, अभी सर एग्जिट कर रहा हूँ एक बार, यू मेड वेरी इजी, होना ही चाहिए मैम, we last last year we were struggling correct little bit, but last year moment बहुत था, निफ्टी बहुत moment volatility था, if you remember I always tell that I am learning always, I am always learning, I am always refining, every time you come to class it is a refined class, every time it's a new class, right, every time trading will be better because my head is always open for taking inputs, मुझे बिल्कुल कभी ये नहीं होता है कि आई नो एवरीथिंग, भाई नो, मार्केट इज मार्केट इज न्यू एवरीडे, देयर वाज अ टाइम जब मैं पूरे दिन कॉल में बैठा रहता था, पूरे दिन पुट के ट्रेड मिस हो जाते थे, आई यूज्ड टू मिस द पुट ट्रेड्स, मुझे मेरी टीम के लोग कितना बोलते हैं, विकास ऑलवेज यूज्ड टू स्कोल्ड मी, सर क्या करते हो पुट ऑप्शन की तरफ क्यों दिमाग नहीं लगाते हो, अरे मैंने कहा यार बाय बर्थ आई एम ए कॉल बायर, यू नो बाय आई एम ए बायर एक्चुअली, तो फिर धीरे 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 निफ्टी इज रनिंग गाइस, ठीक है, डोंट मिस द रैली, बिलीव इन, डोंट मिस द रैली एंड डोंट मिस रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस विल सरप्राइज यू टुडे, this will surprise you,
ओनली इन्वेस्टमेंट इन 24,000 कॉल ऑप्शन इज कितना है? छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट इज जस्ट 23,000 17,000 रुपीज। रीएंट्री ले लें सर। रीएंट्री सर, रीएंट्री रिलायंस में पूछ रहे हो? देखिए नहीं सर, रिलायंस नहीं, नहीं नहीं सर, वो कॉल ऑप्शन की बात कहां कहां जहां भी लो सब ऊपर बिकेगा सर। आवाज लॉस नहीं बुक करना, किसी को ध्यान रखना ठीक है। रिलायंस की 2400 की कॉल ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया है, इसके ऊपर ट्रेड करते रहो। 68 रुपीस हो गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड रैली इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप हो गया गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। द मार्केट इज निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 625 मिनिमम, सो दिस ऑप्शन विल गो एंड टच 125, देन इट विल सेटल राइट, देन इट शुड सेटल। बट इफ दिस बिल्डअप कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग मार्केट विल रैली फर्दर। And Bank Nifty is again positive. Bank Nifty is also turning positive, which is a very good sign. Very, very good sign. Sir, Reliance के call में entry ले सकते हैं? बिल्कुल positional है boss. लेके बैठ जाओ. छोटा मोटा देखो, Reliance भी आपको महीने में 20-30 हज़ार रुपए कमा के देगा, देखना। शादीराम जी लेके बैठ भी गए होंगे, बता रहा हूँ आपको, गारंटी है मेरी, पूछ लो चाहे। Sir, intraday के लिए नहीं है सर ये? Intraday में भी बवाल हो सकता है इसमें आज। Intraday में भी बहुत अच्छे चांसेस इसके चलने के। Very good chances. Intraday का suppose देखो 65 रुपीस का। 65, okay. 2420 का call लिया है Reliance का। Out of the money मत लो, ये लिया करो यार। Sir amount नहीं था। ये तो trading मत करो। तो trading मत करो। My dear friend, ये भी नुकसान की बहुत बड़ी वजह होती है हमारी कि हम out of the money options लेते हैं because of lack of money. ठीक है? उसमें क्या होता है, आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू उतनी नहीं होती है। सबसे बड़ा लॉस ही इंट्रेंसिक वैल्यू का होता है उसके अंदर में, और उसमें थीटा बीटा अल्फा गामा सब ने डिके होना ही होना है। सर अभी 3-5% का प्रॉफिट बुक करते चलें क्या? बिल्कुल करते चलो सर, 5% से ज्यादा का करते चलो, री एंट्रीज करते चलो, हमेशा ट्रेड होना चाहिए आपके पास में। अभी जो आपका 100 रुपीज का SL है उसको बढ़ा के अब मैं और ऊपर कर रहा हूँ, 107 पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है देखो, हम 78 से SL को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक आ गए, ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। निफ्टी शुड टच 625 और ये ऑप्शन शुड टच 125 बिफोर सेटलिंग डाउन। सर ऐसा मत बोलो, 125 में वापस ट्रेड कर दूंगा उसमें, मैं क्लोज करने का सोच रहा था अभी। नहीं क्लोज ही करेंगे, 125 पे क्लोज करना ही करना है उसको, 125 पे क्लोज करना है, फिर दोबारा देखेंगे दोबारा सेटल कहाँ पे होगी, फिर एंट्रीज बनाएंगे, वैसा बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं आज का डे मेरे लिए क्लोज करने का सोच रहा था। हो गया आपको तो प्लस स्क्रीनशॉट डाला है मैंने आपको। देखो देखो समझना क्या है, आप मार्केट के साथ रहो, अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आपने 19,000 का प्रॉफिट हो गया ठीक है, आप इसमें से 20% का लॉस आपका पूरे दिन का टारगेट होना चाहिए ठीक है। ओके ओके हाँ। कितना? 3-4 हज़ार रुपये मोटा मोटा, 15-20% के आसपास है। तो 4,000 का अगर लॉस रहता तो दिन बंद कर देना ठीक है। ओके ओके हाँ। आप ये समझ लो कि आपने प्रॉफिट 18,000-19,000 बुक नहीं किया, आपने 15,000 बुक किया, अभी से दिमाग में साइकोलॉजी बैठा लो ठीक है। ओके अब ये हो सकता है वो 4,000 फिर से और एक्स्ट्रा आ जाए, फिर अपने प्रॉफिट का सर्कस को और 4,000 ऊपर कर देना, फिर आप 20,000 लेके जाना आज ठीक है। क्योंकि अभी तो देखो ये कॉल का मूव आया है, होता सेकंड हाफ में पुट का मूव है, पुट का है। हां बराबर है, वो बहुत बार मतलब नहीं तो मतलब 80-90% ऐसे मतलब होता है कि मतलब पहले हफ्ते कमा लेता हूं, सेकंड हाफ में उसका आधे से ज्यादा चला जाता है, तो ऐसा होता है कि अगर कॉल बंद कर देता ट्रेड तो अच्छा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बराबर है, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपको रहना है मार्केट के साथ, जो मैं कह रहा हूँ सुनते रहो, ट्रेड मत करो। अब 400 क्वांटिटी में कर रहे हो, एक लॉट पे आ जाओ ना यार। हेलो हाँ वैसे कर सकते हैं, लॉट ट्रेड एक लॉट पे आ जाओ ना, बिल्कुल एक लॉट पे आ जाओ। उसमें क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बनेगा भाई, आज आपका दिन है छक्के मारने का। ये थोड़ी ना मैंने 6 छक्के मार दिए पूरा, मैं पूरा मैच नहीं खेल रहा मैं, है कि नहीं? मेरा सेंचुरी हो गया, अब मुझे धीरे धीरे करना है, मुझे शफलिंग करनी है। तो शफलिंग करने के लिए क्या करने का, एक लॉट पे आ जाओ, सिंपल गेम यार, सिंपल है। वो प्रैक्टिस कब होगी, वो प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, किसी भी दिन का ट्रेड इतना अच्छा होता है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है, अगला दिन ऑटोमेटिकली आपके लिए बम्बार्डिंग हो जाता है, आप कहते हैं मजा आया मैं ट्रेड कर सकता हूँ।
कॉन्फिडेंस बिल्ट ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। एक लॉट पे आ जाओ, चार लॉट मत करो अभी आप, एक पे आ जाओ, दो पे आ जाओ, ऐसा करके जो भी है। हेलो काम घंटे तुमको भोपाल पहुंचना था सुबह 5:55, अब ये दिखा रहा है 1 बजे पहुंचने का भोपाल। अभी तो तुम्हारा भीलवाड़ा किधर से निकल रहा है सर? कॉल ऑप्शन नीचे जा रहा है, जाने सर। ये आपकी ये सिर्फ सेटलमेंट है, 107-108 के आसपास में रीएंट्री बन जाएगी, 160 के आसपास रीएंट्री बन जाएगी, सबको 100 रुपए के आसपास रखेंगे। मेरा तो ट्रेड ही नहीं कटा, पता नहीं क्या अभी तक नहीं कटा। नहीं सर, एक्सचेंज में ट्रेड जाता है सर, ऑर्डर लगाया हुआ है मैंने 15 का ना, तो कट गया होगा वो, आपको खाली कंफर्मेशन नहीं आ रही। 122 का तो हाई मार दिया उसने। हाँ जी सर, तो ट्रेड तो कस्टमर केयर को फोन करिए आप। और एक चीज देखो यादवन जी, ऐसा ना हो कि कॉल कीजिए पुट का लगा रखा, देखो वो गलती तो नहीं रखी ट्रेड? नहीं सर, कॉल का ही है, कॉल ही है सर। तो कट गया होगा सर, अगर मॉडिफाई करते हैं ये कह रहे हैं कि आपका योर ऑर्डर इज गोइंग टू द एक्सचेंज। हाँ तो वो कट गया, कंफर्मेशन नहीं आई, होता है ब्रोकर के साथ कभी कभी। ठीक है, ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता, ये एक्सचेंज का इशू है। अच्छे खासे पैसे ये री एंट्री पॉइंट है गाइस, बताऊं क्यों? निफ्टी 611 आ गई ना, ऑप्शन 115, तो मोटा मोटी एट पार चल रही है, ठीक है। यहाँ से 625 के लिए चलना है इसको, तो 115 से 125 के लिए चलेगी, तो एंट्री कर सकते हैं सर अब 115 पे? कर सकते हो ना, वेल डन शुभम, वेरी नाइस शुभम। इसमें एक चीज शेयर करना, कितना कैपिटल यूज किया है, एक मिनट को पहले स्क्रीनशॉट शेयर करूं फिर आप बताना इसमें कितना कैपिटल आपने यूज किया है। 14,000, 14,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल यूज किया शुभम ये बताओ। सर वैसे तो मेरे डीमैट अकाउंट में 1 लाख है, बट मैं 10 लोट ही लेता हूँ, तो अप्रोक्स मैंने ये 40-50 या 60 करीब यूज किया, 50-60 हजार यूज किया उसको, चर्निंग किया बार बार, मल्टीपल ट्रेड्स किए, ठीक है ना। 10 लोट का आपने फिक्स किया हुआ इसका मतलब है ना, तो एक बार में वो 40,000 के आसपास यूज कर रहे हो, ठीक है, 10,000 बन गया ना मेरा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हो गया। 119 रुपये सर, 120 कल मेरा बहुत तगड़े वाला लॉस हो गया था सर, आज सारा कवर हो गया सर, मजा आ गया बस, और कल वाली गलती मैं अब कभी नहीं करूंगा, बहुत महंगी पड़ी कल गलती मुझे। सर मत करो, मैं देखो मैं मार्केट को इतना इतना अच्छा रीडिंग कर लेता हूँ, उसके बावजूद भी एक रूल बनाया कि मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा। नहीं सर, अभी मैं डब्बा बंद है, अभी खाली वॉच कर रहा हूँ, अगर अच्छी खासी कोई शॉर्ट कवरिंग आई या कोई अच्छा साइन हुआ तब करूंगा। वॉच करते रहो, साथ बैठे रहो, सुनते रहो। यस सर, वॉच कर रहा हूँ सर। बस बस बस, और जिसने देखो जिसने 15-20 हजार बनाए, एक सजेशन देता हूँ, जिसने 15-20 हजार एक लॉट रिलायंस का 2400 कॉल ऑप्शन लेके छोड़ दो सर। रिलायंस विच वन सर? 2400 स्ट्राइक प्राइस, 2400 कॉल ऑप्शन, 68.50 नाउ, इजीली आएगा, कितने में आएगा? 17,000 में आएगा, आएगा 17,000 में। जिसने भी प्रॉफिट बनाया है प्लीज इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट इनटू कॉल ऑप्शन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, इज इट फाइन? यस, इज इट फाइन? ये जीरो कब होगा? जब आपका ये पूरा कॉल ऑप्शन खराब हो जाएगा, रिलायंस की क्लोजिंग 2400 से नीचे आएगी, और इससे आपको आपके प्रॉफिट को शिफ्ट करने का मौका मिलेगा विद द ट्रेंड, एंड बिलीव मी इफ रिलायंस स्टार्ट्स रूलिंग रिलायंस विल नॉट स्टॉप, बिलीव मी। And I have very strong feeling that sir, yesterday government announced ki a battery they have given a lot of loan.
Around 10,000 crores. Because. Yeah. राहुल बाटिया 4,600 वेरी गुड. चंबल 290 हो गया. कल चंबल पूछा था दिगंत ने. वेरी नाइस सर. कॉल में री एंट्री 115. हाँ ये री एंट्री प्राइस ही भाई. ये री एंट्री प्राइस करते रहो. 115-16 112-13 ये जो प्राइस है ना ये ऊपर करता हूँ. ये सपोर्ट. ये री एंट्री सपोर्ट है. ठीक है रिलायंस का सर 2400 का कॉल ऑप्शन लेना ना. हाँ सपोज कितना है इंट्राडे का सपोज 65 रुपीज का. सिंपल ठीक है. 250 शेयर्स का लॉट है तो अफोर्ड भी कर सकते हो. कोई बड़ा भी नहीं है. जो प्रॉफिट कमाया जिसने आज 18-20 हज़ार भी बनाए हैं. ये जो 15,000 बनाए हैं 2,000 रुपये और डाल के इसको लेके छोड़ दो. आपका आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो गया. मल्टीप्लाई रिलायंस करके देगा और आप देखो कितना मजा आएगा. और एक लॉट 17,000 का आ रहा है. अगर आप 17,000 इन्वेस्ट हर कोई करता भी है अभी मजा है. देखो कॉल ऑप्शन 123 भाई. कॉल ऑप्शन 123 ये भाई. आज सबके मिनिमम 5,000 के प्रॉफिट होने वाले हैं. गारंटेड है मिनिमम 5,000 डेली. आज का प्रॉफिट मिनिमम टारगेट 124. नया आई निफ्टी आ गई 620 पे. कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आपको. मैथ सिखा रहा हूं. वेरी गुड रॉल. विपुल सर टीटीएमएल क्या हुआ टीटीएमएल. देखो सर देखो देख रहा हूँ. सुबह से चंद्रयान जा रहा है. आपने देखा नहीं मेरी वॉच इसमें लगा हुआ है. कहाँ है मैं नहीं देखा सर. हाँ देखा. हाँ देखा देखा सर. मैं अभी देखा सर मेरे पोर्टफोलियो में. मतलब अचानक इतना कितना प्रॉफिट दिख क्यों रहे. देखा टीटीए मेरे को. सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो आप बोल रहे थे उसके लिए क्या मिनिमम 10 लाख ही चाहिए. मिनिमम 10 लाख का ही चाहिए कैपिटल. अभी तो मैंने 10 लाख का बैकेट रखा है. बस लाख 2 लाख में मजा नहीं आएगा. हो सकता है एक एक छोटा बैकेट 5 लाख का भी कर दूं. उसमें काफी लोग कवर हो जाएंगे. जतिन पटेल 3,195. शुभम 5,000 हो गए. बहुत बढ़िया शुभम. मेरे दोस्त दिल खुश कर दिया आपने यार. ब्लेसिंग्स है. बहुत 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 ब्लेसिंग्स आपके लिए भाई.
जो लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिलता, हमेशा लॉस होता है, मेरे ट्रेडिंग में मेंबर्स उन सब के लिए एक एग्जांपल है। और मेरे प्रॉमिस है मेरे साथ रहो, कुछ टाइम रहो, हर आदमी को ट्रैक पे ले आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। 126 रुपए कॉल ऑप्शन हो गया एग्जैक्ट हिट जो कहा था। यस सर। और टिप प्रोवाइडर क्या करते हैं, ये स्टॉप लॉस दिया, आधे लोगों को माल कॉल बाय करने को दे दिया, आगे दो लोगों को माल बेचने को दे दिया। अभी 638 640 तक जाएगा, कल का आ ही गया था, ना करो ये, यहाँ तक तो कम से कम जाएगा। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन का टारगेट क्या है, 638 138 रुपीज 140 टच होना चाहिए। ठीक है, लगा दो बस, नेक्स्ट टारगेट ट्रेल करते चलो। सर एक बार आरएमएल प्लीज चेक करें ना। कौन सा दोस्त? आरएमएल। आरएमएल हाँ, देखो ना आपका पैटर्न है सर। होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 702। देखो स्टॉक्स में मैं कभी 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं देता। अपसाइड है, घूम गया भाई, घूम चुका है अभी सर, अच्छी प्रॉफिट दे रही है, घूम गया। होल्ड करो ना, अच्छा प्रॉफिट दे रहा तो ट्रेल करो, 702 के स्टॉप लॉस का ट्रेल करो, बेचना नहीं है। स्टॉप लॉस की बिट लगा दो ब्रोकर को बोल के, 702 पे बुक हो जाएगा। ठीक है, चलने दो। ओके सर, और कुछ नहीं करने का। तो रीबाई कहाँ पे करें? छत्तीस से नीचे आ सकता है, 15 के आसपास। ओके सर, 15 के आसपास। एक झटका और आना चाहिए इसमें ऊपर जाने के लिए। अच्छी पोजीशंस, कितनी जबरदस्त पोजीशंस क्रिएट हुए भाई। आज के गेम की समरी बताता हूँ मैं, समरी समझो, समरी क्या है, साढ़े तीन करोड़ कल था, 2.5 करोड़ कॉल राइटिंग स्क्वायर अप हुई है, और इस समय 2.5 करोड़ पुट राइटर्स मार्केट में है। मतलब कितना तगड़ा गेम, कितनी बड़ी पोजीशंस शफल हुई यहां से वहां, इतनी बड़ी पोजीशंस शफल हुई हैं। बैंक निफ्टी वाले सारे इधर आ चुके हैं आज। आएंगे सर जी, आने ही हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी थी ना, कल उनका ट्रेड हो गया होगा। जी जी जी, आ गए होंगे 100%, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। टू प्लस बैंक निफ्टी 200 पॉइंट प्लस हो गई है, वहां भी शॉर्ट कवरिंग चल रही है। दिस विल रन नाउ। यस मैम, HDFC बैंक 13 पॉइंट्स ऊपर गया, चलेगा मैम। दिस पेयर विल आउटपरफॉर्म HDFC बैंक एंड रिलायंस, दे विल आउटपरफॉर्म द मार्केट नाउ। 123 हो गया वापस, 116 से 115 के आसपास, 116.90 117 इतना तो पकड़ ही सकते हो, पूरा एग्जैक्ट 115 मुझे नहीं मालूम आएगा नहीं आएगा, वापस 123, इट्स रनिंग नाउ, इट विल नॉट स्टॉप, द शॉर्ट कवरिंग इज स्टिल गोइंग ऑन गाइस, इनफैक्ट पुट राइटिंग हैज स्टार्टेड, द लॉन्ग बिल्डअप इज देयर इन द मार्केट नाउ। That's a very, very good sign. That's a very, very good sign. The direction is almost positive. Stop loss, you should trail it 210 rupees now. Sir, agar 118 pe lete hain, to stop loss same rahega 107 ka ya bada sakte hain? Yaar, 110 ke aaspaas rakho, thoda conservative hona padega. Yaar, 110 ke aaspaas rakho, wo zyada better hai. तो देखो ना, बाजार ने वहां सपोर्ट भी लिया है ना, जहां से सपोर्ट लेके चला है उसी को स्टॉप लॉस बनाओ यार, सिंपल। सब चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यस सर, लॉजिक होना चाहिए चीज़। क्यों स्टॉप लॉस है, क्योंकि सपोर्ट लेके गया, यहां से जहां से सपोर्ट लेके गया वहां से बायर ने पुश किया ना उसको, इसका मतलब ऊपर बायर ने वहां से पुश किया है, तो फिर मेरे को वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना है जहां से उसको दम मिला है। यस बैंक कल 17.90 रुपीज आया था, आपको याद है? If you are tracking Yes Bank, it came at 17 rupees 90 paise around yesterday, 17 rupees 70 paise also. Yes sir. Yes sir. मैं आपको ये बोल चुका हूँ, 16 rupees is deadly stop loss for Yes Bank. Targets are 20, 25, 30. Pure positional. Sir, call का और Nifty का भी एक साथ हो गया sir. बिल्कुल at par, about 620 is markets, 120 is call. Very good. और sir, data double हो गया. डेटा तो तभी तो मजा आ रहा है, यहाँ से मेकअप और ब्रेकअप ट्रेड होगा, समझो समझे।
यहाँ से यहाँ बाजार को छोड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ से पटक देंगे बाजार को, तो आपकी पुट ऑप्शन साथ में रहनी चाहिए, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या है, 650 वाली 40 रुपये, सिर्फ 40 रुपये पंगा लिया जाएगा कुछ पंगा ट्रेड। सर 636 का रिजेक्शन ले सकता है क्या सर? ले सकता है दोस्त, ले सकता है। एक काम करते हैं, मार्केट ऐसे जोन पे आए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था सर। यस ब्रदर। सर पिछली बार जब निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, तो आप इंदा मनी में हमें करवा रहे थे ट्रेडिंग जी, तो उसपे आपने ना 25 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगाया था शायद, तो आपने बोला था कि ये 25 रुपए तो कम से कम बिकेगी ही बिकेगी जी, लेकिन वो 25 के नीचे चली गई थी, 17 रुपए चली गई थी। तो आपने बोला था कि ये जो 25 के नीचे मिल रहा है ना, ये बोनस है, एक्स्ट्रा बोनस है जी, कि 25 तो खाली बिकेगी ही बिकेगी, लेकिन 25 के ऊपर भी बिक सकती है जी। तो वो समझ में नहीं आया था सर कुछ मुझे, कहां तक बिकी, लास्ट में बिकी कहां तक थी ये बताओ। नहीं सर मुझे ये तो नहीं याद नहीं है सर, लेकिन वो काफी, वो बिकी थी 40 रुपए से ऊपर। यस सर, मुझे 50 रुपए के आसपास बिकी थी शायद सर, 50 रुपए के आसपास बिकी थी वो। यस सर, मैंने वो 18 रुपए पे ली थी, तो मैंने वो 30 रुपए पे निकाली थी। फिलहाल फिलहाल इस ऑप्शन को पकड़ के रखो 130-140 बेचने के लिए, पहले इस पे पैसे बनाओ, फिर बाद में बात करते हैं इसमें, ठीक है, पूरा दिन सीखने के लिए। सर अभी ट्रेंड अभी रुका नहीं है, ठीक है, अभी ट्रेंड ऐसा है, अभी रुक नहीं रहा है, ठीक है, अभी रुक नहीं रहा है। अमरनाथ जी, ये कैलकुलेशंस को परफेक्ट करने में ना टाइम लगेगा अभी आपको। यस सर। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, और ये टाइम सिर्फ आपको मेरे साथ रह के मिल सकता है। हुआ क्या, यस सर, डेटा देखना जिस दिन सिखा भी दूंगा ना, उसके बाद भी जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना बॉस, नहीं होगा। और सर, जब से आपके साथ जुड़ा हूं मैं, तो मैंने सर 128 एक चीज ध्यान रखना भाई, मैं इस जोन में आके थोड़ा सा अब कॉशियस हूँ, ठीक है, ये हो सकता है लास्ट ट्रेड लास्ट जोन का होगा 130 रुपए, 131 रुपए, ठीक है, पता है मेरी ऑडियंस कैसी है, छक्के जरूर देखती है, तालियां नहीं बजाती यार। शोर नहीं आना चाहिए, कलेक्टिव शोर आना चाहिए, बाद में यूट्यूब पे वीडियो चाहते हैं, लोगों को दिखना चाहिए कि अकेला बोल रहा है, पब्लिक भी बोल रही है यार। मेरे सर तालियां बजाने के लिए हाथ फ्री होने चाहिए ना उसके। अरे मुंह तो फ्री है, मुंह तो फ्री है, मजा आया मजा आया, भागी भागी भागी, शोर होना चाहिए सर, गई गई गई, ताकि मुझे लगे गले में सांस अटकी होती है। चलो गुड है भाई, देखो अच्छी एक चीज अच्छी बात है, हमारे साथ 60 लोग लाइव बैठे हैं, और मेरी गारंटी है कि 60 के 60 लोग प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है, इसमें से 10% को लॉस में डाल देते हैं, सेबी कहती 90% लॉस में है, मैं कहता हूँ 10% लॉस में है, क्योंकि जो बात नहीं करती तो सामने आते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहे, तो मैं मान लेता हूँ वो लॉस में, ठीक है। सर एक बार पूछो ना सर सबसे, भाई बताओ सबके सब बताओ। नहीं सर, लास्ट 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 में नहीं है सर, है तो प्रॉफिट में, लेकिन छोटा छोटको वाला प्रॉफिट, छोटा ही सही सर, प्रॉफिट का नाम तो प्रॉफिट ही होता है सर, कैपिटल 2% सर, 1 लाख 1 लाख 2 लाख इससे ज्यादा भी नहीं, बाजार फटेगा भैया, बाजार और फटेगा भैया, समझ लो अभी और फटेगा। सारा आज इसके ऊपर एक रील्स बनाइए सर, मेरा तो मार्जिन ही ब्लॉक कर दिया, ट्रेड ही नहीं ले पा रहा राम जी, ये क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। कौन सा ब्रोकर है? पेटीएम मनी। अरे पेटीएम करो आप भैया, पेटीएम में कौन ट्रेडिंग करता है यार। ₹30,000 बन गए, तो ये मोर देन 10% है, वेरी नाइस वेरी नाइस। 30 है सर, वैसे टोटल 40 रखा था, वो अपने वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था बीच में, वो काल में री एंट्री होगी सर, फिर अभी चांस है
सर चांसेस काफी अच्छे हैं, 125 के आसपास। अभी जो स्टॉप लॉस 110 का है इसको हम और ऊपर कर देते हैं, 120 कर देते हैं, ठीक है। जी सर, मैं 120 करते रहे एंट्री। तो डेटा दिखाया बड़ा शानदार, बड़ा जानदार डेटा दिखाई दिया मुझे, मेरे हिसाब से डेटा ये सर कल ऑप्शन कहाँ तक जा सकता है सर? कम से कम भी नहीं तो 640 140 तक तो बिकना चाहिए, कम से कम 140 144 के आसपास तक बिकना चाहिए, 144 बिकना चाहिए। शुभम 6000 बना लिए विद ओनली 35,000, फैंटास्टिक। नीलेश यादव देखो, वेरी नाइस नीलेश, हो गया टोटल प्रॉफिट 21,640। करते चलो धीरे धीरे बॉस, ट्रेड मिल रहे थे छोड़ना क्यों है शादी नाम जी, 2100 रुपए, वेरी गुड प्रॉफिट दिखा रहा है सर। प्रॉफिट ये कोई नहीं, हम तो इसको अपना ही मान लेंगे, नहीं बेचते तो अच्छी बात है, अब बेच लेंगे मार्केट खुल गई ना, तो बिक ही नहीं रहा वो अटका हुआ। हो सकता है आपका ट्रेड एक्सेप्ट ना हो, आपका सबसे टॉप पे बिके। नहीं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, मेरे साथ एक बार हो चुका, बड़ी हैवी क्वांटिटी, फर्स्ट टाइम हुआ है सर, बहुत हैवी क्वांटिटी थी, मैं ट्रेड डाल के चला गया बच्चे को स्कूल लेने के लिए, पीछे से मेरे पास संतोष का फोन आया, बेंगलोर का स्टूडेंट है, सर आपका पोजिशन ओपन है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अरे उधर देखो 9 रुपए का ऑप्शन था, वो बिका 40 रुपए के आसपास, ऑप्शन देखो सर। मैंने कहा ट्रेड डाला हुआ देखता हूँ, बाद में पता लगा वो ट्रेड कटा ही नहीं, और भाई किस्मत से इतना सारा पैसा आया, मजा आ गया। ₹3930 आए अपने को, ठीक है। ये देखो शुभम ने क्या कर दिया, शुभम 15,000 रुपए, वेल डन शुभम, सुपर्ब। अभी दो लोट से किया सर दोबारा, वेरी गुड। 21,000 रुपए हो गए नीलेश के, सुबह से 40,000 यूज करके 21,000 रुपए हो गए, ठीक है। 2100 रुपए शादीराम जी जो अभी तक ट्रेड पेंडिंग है, बहुत बढ़िया। 4600 रुपए, 3200 रुपए क्या चाहिए भैया, 135 रुपए न्यू हाई, वेट फॉर द गेम। 144 to 156 दिस विल बी द टारगेट गाइज, बजा के धीरे धीरे चलेंगे, बजा के साथ साथ चलेंगे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वी आर फॉलोइंग द मार्केट, ठीक है। कल का दिन था, बोर था, अच्छा नहीं था, नॉट अ प्रॉब्लम, आज का दिन बहुत शानदार है, लवली। और एक और चीज, एक्सपायरी में तो पहले सर मेरा बड़ा लॉस होता था सर, लेकिन आज मुझे लग रहा थर्ड या फोर्थ टाइम है कि मतलब मुझे आज प्रॉफिट। सर निफ्टी आपके लेवल के पास आ चुकी है सर। लेकिन बट आई एम हैप्पी सर, खुशी जरूरी है। मेरी तबीयत सर खराब है, लेकिन बस मैं आपका क्लास वो मिस ना हो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है, वायरल हो गया है, एक्चुअली घर के सभी मेंबर को हो गया है। जोन ऐसा है तो इसलिए मेरा सरप्लस क्लियर है बॉस, ठीक है। सरप्लस 119-120 के आसपास में इसको बढ़ा के 125 कर दो, ठीक है। सरप्लस को 125 कर दो, इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। इज इट ओके? जो सरप्लस है उसको इम्प्रूव कर दो, 125 चलने दो, गिरेगा तो मेरा सॉपस खा के गिरेगा, सीधी सी बात है, 5 पॉइंट में देने को तैयार हूँ, सुबह से इतने पैसे बना लिए मैंने। मेक सेंस? यस सर, यस सर, सिंपल सिंपल, डरना क्यों है, प्लान बनाओ, ऑलवेज ट्रेड योर प्लान, डू नॉट प्लान योर ट्रेड, ऑलवेज ट्रेड योर प्लान, ठीक है। क्या प्लान बनाया था उसको ट्रेड करने का है, ट्रेड प्लान नहीं करना, क्या करने वाला हूँ पहले प्लानिंग बनाओ, उसके बाद हम काम करेंगे। रोड मैप शुड बी क्लियर फर्स्ट, करना क्या, ब्लू प्रिंट, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े बजट जो गवर्नमेंट प्लान करती है, दे मेक अ ब्लूप्रिंट फर्स्ट, राइट, दे टॉक टू देयर टीम ऑफ आईएएस आईपीएस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, देन दे कम टू अ कंक्लूजन। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, खाली अनाउंसमेंट करते हैं, मीटिंग्स इनके साथ में होती है, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में होती है, स्टाफ के साथ में होती है, स्टैटिस्टिशियंस के साथ में होती है, सावित्री मैडम के साथ होती है, राइट, देन दे मेक द प्लान, देन दे डिक्लेयर दिस वी आर गोइंग टू 20,000 crore rupees in Bengaluru metro station. It'll go up, guys. Sir, अभी re-entry कहाँ पे होगी? Yes, re-entry fire करेगा. Buy with the stop loss of 125 now. It will fire. Re-entry stop loss. It will fire now. फटेगा, फटेगा, हिंदी में बोलता हूँ, फटेगा.
कटेगा अभी, ठीक है 125 के एसएल के साथ में रीएंट्री रखना, ठीक है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कटेगा कटेगा पर भाव फटेगा। यू शुड गो एंड टच एटलीस्ट 650 नाउ, 650 एंड अबव 660 आल्सो पॉसिबल, सो देयर आर एब्सोल्यूट ग्रेट चांसेस दैट निफ्टी विल गो एंड टच 144 एंड 156 नाउ। फैंटास्टिक रैली कॉट, सुपर, मजा आ रहा है। Good. All going great, madam. All going great. And my dear friends, do not keep your trade open. Keep a tight stop loss everywhere, okay? Stop loss ke bina koi trade open nahi hoga. You never know kab jaake jitni badi humne book buying dekhi hai, utni badi selling aa jaye, we never know. Right? Wo hamare hand mein nahi hai. That is not in our hands. Hamare paas jo data aata hai, wo bhi delayed hota hai at least 2-3 minutes. Right? सोचो 2-3 मिनट्स के डिलेड डेटा के ऊपर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लाइव होता तो और मजा आता। तो इसलिए प्रोटेक्शन शुड बी देयर, प्रोटेक्शन माय स्टॉप लॉस 125, दैट इज अ प्रोटेक्शन, टारगेट इज ओपन राइट, फर्स्ट टारगेट 144 सेकंड 156 एंड व्हाट इज निफ्टी डूइंग गाइस, लुक एट दिस, मजा आ रहा है ना। एकनिशी भी क्या कह रही है, व्हाट इज एकनिशी सेइंग, इट्स सेइंग होल्ड करेक्ट, कंटिन्यू योर ट्रेड, देयर इज नो सेलिंग सेटअप ऑफ एकनिशी एज वेल। Ashoka has started moving up now, guys. Ashoka is 2% up. Ashoka is again 2% up now. Sir, I want to ask about JP Power. What? JP Power के बारे में पूछना था। JP Power का target क्या होगा? आपने invest किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। तो आप मेरे अकाउंट में परचेज कर लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, टारगेट विल डिसाइड लेटर ऑन, ओके। सर विल यू सेंड मी एनी काइंड ऑफ अ मैसेज और समथिंग टू जॉइन, आई विल सेंड एवरीथिंग, आई विल सेंड, बट एक ही कंडीशन रहेगी, व्हाटएवर यू आर बाइंग ऑन माइनिंग आई यू हैव टू कीप दैट अकाउंट एब्सोल्युटली सेपरेट, राइट? यस सर, हां। तो एक फ्रेश अकाउंट मेरे लिंक से आप खोल के रखिए ताकि मुझे रहे कि मैं कौन-कौन से अकाउंट्स को कैसे ट्रैक कर रहा हूं, राइट? एंड एज पर द रूल्स, फ्रेश अकाउंट नहीं सर, अभी कोटक सिक्योरिटीज में एक अकाउंट खोला है, वो अलग अकाउंट है, दैट्स अ सेपरेट अकाउंट इन कोटक सिक्योरिटीज, अभी प्रोसेस हो रहा है, वो अकाउंट खुल जाएगा एक दो दिन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा जी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पोजिशनल में? सर मैं आपको कल आज शाम तक सब बता दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, आज शाम तक पूरा फ्रेम बनाने दीजिए। ये री एंट्रीज है गाइस, दीज आर ऑल री एंट्रीज राइट, विद वेरी सम स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 125 एंड ऑन राइट, 125 के एसएल के साथ में आपको मिल गया ट्रेड, यहाँ पे अच्छी एंट्री 127 के आसपास 127 आया है। ये निफ्टी ने देखो, निफ्टी में मैंने एक रिजेक्शन मार्क किया है, ठीक है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस भी टाइट रख रहा हूँ। निफ्टी ने एक रिजेक्शन दिया है तो आई एम कीपिंग माय स्टॉप लॉस वेरी टाइट, बट देयर आर चांसेस कि यहां पे अभी मार्केट और चलेगा, देयर आर चांसेस, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मार्केट शुड रन मोर, नहीं होगा अभी नहीं, समझ में आ जाएगा बाद में प्लीज, क्योंकि ये बेचने वाले लोग क्या कर रहे हैं हमें कम से कम 3 कैंडल के होने के बाद पता लगता है, द डेटा इज 3 मिनट्स डिलेड, सो दैट इज व्हाई कीप योर स्टॉप लॉसेस टाइट। सर टीटीसी के लेवल क्या है सर? टीटीसी का 634 का रेजिस्टेंस है सर, अभी बहुत मेजर वाला, यस सर, यहाँ पे निफ्टी खड़ी, अब इसके ऊपर चला तो वी आर हेडिंग टुवर्ड 680 670, राइट? 634 के ऊपर में 642 इज अ पुश व्हिच इज क्वाइट विजिबल व्हिच इज पॉसिबल, हो सकता है, और उसके ऊपर में 680 670 लेवल दिस इज ऑन कार्ड्स, तो 80 मींस दिस कैन गो एंड टच, अगर ऊपर चला ये स्टॉप लॉस कट रहा है शायद 125 के आसपास में, रीएंट्री वाला स्टॉप लॉस ध्यान रखना, ठीक है ना, दो बार स्टॉप लॉस कटेगा बाहर है,
सुबह 100 घंटे का बाहर है, वैसे 125 की रीएंट्री भी है, ठीक है। रिलायंस वन रिलायंस 26 नाउ, रिलायंस इज मूविंग, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। 125 पे लिया तो 5 पॉइंट नीचे सपोज, ठीक है, 125 पे लिया तो 5 पॉइंट नीचे सपोज, कितना 121 रुपए का, सिंपल ऐसे एडजस्ट किया करो, ठीक है। 125 पे मिला, 121 का स्टॉप लॉस, सिंपल चले दो, 4 रुपए का स्टॉप लॉस चलने दो, ठीक है, क्लियर है। लाइंस इज रनिंग नाउ, तो निफ्टी शुड गो एंटर 642। देखो निफ्टी ने हाई कितना मारा, देखो लुक एट द टीटीसी लेवल गाइस, 642 दिखाया था आपको भी ने, निफ्टी का आज का हाई क्या है? Yes, sir. Exact. Exact है, exact. ये अनबिलीवेबल है, देख लो बट आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। 125 का एंट्री, 130 बाय करो, मुंह का छूटना नहीं चाहिए। सर मेरी एंट्री 133 की थी, बहुत पहले से ही है, कोई बात नहीं, रखो उसको, कोई इशू नहीं। अजय 37,788, फैंटास्टिक अजय, सुपर्ब सुपर्ब। सर आप तो लाइव डाटा ले सकते हैं ना? नहीं भाई, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है सभी को देने के लिए। मेरा काम इससे चल रहा है सर, मेरा काम इससे चल रहा है ना, मैं खुश हूँ इसमें। मैं बहुत ज्यादा लाइव होने से दिमाग भी खराब हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर लगेगा आप धुरंधर हो गए, सब कुछ पूरा मांगे डाबी हिला दोगे। वो गलत फहमी नहीं पालनी सर, हम वो दिवाली के पटाखे वाली बंदूक चलाए सर, वही बहुत है ना, छर्रे वाले रियल वाले में सर जान जा सकता है ना, वही ना, गुब्बारे गुब्बारे फोड़ने वाली बंदूक हमारे लिए अच्छी है सर, हम उसी के शिकारी अच्छे हैं सर। कल को मान लो हथियार आ गया जिम में तो चलाने का भी मन करेगा, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, गलती से हाथ नहीं बटा दो। अब देखो समझो प्राइस को, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, हाई पे है, पर डेटा कह रहा है अभी रख, तो मैं अभी इसको रखूंगा, ठीक है, फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, अब इसको मैं अब चेंज नहीं करूंगा, 121 इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, कतई चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक पुल आना चाहिए, पुल बैक चलो अभी तो चल रहा है, बता अभी तो चल रहा है, और 2-3 मिनट देखते हैं क्या सामने आता है। 11:26 हो गया, रिलायंस ने भी पूरा ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट दिया, देखो ठीक है, वापस तो नया हाई मारा 26:27 के आसपास का, अभी चलेगा। तो आप हम इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लैग ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं हम, ठीक है, ढूंढ सकते हैं छोटा सा, तो ये फ्लैग एंड पोल अगर हमारे बन रहे हैं समझ लीजिए, तो ये फ्लैग एंड पोल यहाँ से ब्रेकआउट मतलब 654, ठीक है, और यहाँ से अगर हम ये पकड़ें, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट जो हमारा हुआ ये कहाँ तक लेके जाएगा इसको, टॉप लॉस कट गया सर, मेरो रीएंट्रीज है सर, हो गया, अब कटा है वो, कट गया, कितने पे कटा शादीराम जी? 128 पे सर। अरे माशाल्लाह। यार मैंने कहा था ना हाई पे बेचोगे आप। हाँ जी सर। बाद हमें यहाँ पे पुट में एंट्री करने की नहीं करनी। रिलायंस को सामने से हटाया मैंने एक बार,
पुट ऑप्शन सामने लगा लिए, आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में पुट ऑप्शन को रख लो सामने, ठीक है। अजराम जी देखो ये होता किस्मत नसीब, सबसे ऊपर टॉप पे बेचा, क्या बात है। आप असली स्क्रीनशॉट भेजो काटे हुए का। कहते ना इंसान की नियत अच्छी होनी चाहिए, नियति भी साथ देती है। आप अच्छी नियत से बैठते हो, दिन की शुरुआत करते हो, अच्छी बात है, ऊपर वाले ने आपका साथ दिया है। सर कॉल ऑप्शन 130 पे लिया था, 125 चल रहा है सर, 125 पे कट चुका है, 125 पे री एंट्री है, 121 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक झटका मिलने की संभावना है, जब तक मेरे पास वो डेटा नहीं आता मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं बाजार ऐसे जोन में चला, एक मिनट रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार कहीं ना कहीं ऐसे जोन में है यहाँ पे रिजेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिस इज दी लेवल, ठीक है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाली बात है। तो कोई पुल बैक अगर आता है, अगर पुल बैक यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को वापस इसने पुल बैक यहाँ से दिया, तो 630 के आसपास से पुट ऑप्शन लेके बैठ जाएंगे चुपचाप से, ठीक है। तब तक हमारा 121 का स्टॉप लॉस भी कट चुका होगा, बाजार खराब हो भी चुका होगा, और यहाँ से हम ये वाली कॉल ऑप्शन एक्चुअल में नीचे में देखें तो पुट कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और पुट ऑप्शन में बाइंग स्टार्ट हो गई है। एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते हैं, कॉल ऑप्शन से निकलो, ठीक है। और ये बॉटम का मतलब कितना, 28 रुपए का 6 पॉइंट का सरप्लस है, और ये पुट ऑप्शन दबाओ 6 पॉइंट के सरप्लस के आसपास, देखते हैं क्या गेम बनता है। और ये कॉल ऑप्शन 121 का सरप्लस आगे रखना। अरे रुको रुको एक मिनट के लिए, बस यही धोखेबाज मुझे चाहिए, रुको एक मिनट के लिए, पुट ऑप्शन वाले रुको, पुट ऑप्शन वाले रुको, पुट ऑप्शन वाले रुको, कॉल ऑप्शन वाले जो होल्ड करेंगे 121 के टाइट सरप्लस के साथ होल्ड रखें। आए बायर फिर से आए भैया, बायर बराती फिर से आ गए हैं, बराती फिर से आ गए हैं, ये फ्लैग ब्रेकआउट लगाने का भी वेट कर रहे थे, ये देगा फ्लैग ब्रेकआउट इसका मतलब, देखते हैं। अब मेरे लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट रहेगा 635-38 का जोन। अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, ये रिजेक्शन ऐसा कुछ कहीं से भी, तो समझ लीजिए फिर मैं यहाँ पुट ऑप्शन में सवार हो जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है, सब क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? तब तक कॉल ऑप्शन में बैठे, तब तक कॉल ऑप्शन में बैठे रहें, तब तक कॉल ऑप्शन में बैठे रहें, पुट ऑप्शन को वॉच लिस्ट में लगा के रखें, राइट। 11:30 हो गए, बात करते करते पता भी नहीं लगा सर, 19,700 जो बताया था सर, 19,650 की पुट ऑप्शन सर। अच्छा सर, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल सर होने दीजिए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जिस जोन में मार्केट है ना, वो जोन थोड़ा डेंजरस जोन है। नहीं सर, जो ये रेड कैंडल बनी है बहुत बड़ी बनी है कॉल ऑप्शन में। सर आपने कॉल ऑप्शन सेल करने को बोला था, उस टाइम एग्जिट कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, अच्छा एग्जिट कर दिया था। अभी कहीं पे पोजीशन नहीं है ना सर? अभी नहीं, अभी कोई पोजीशन नहीं है, हमने वॉच लिस्ट रेडी कर लिया पुट ऑप्शन की भी। ये वैसे तो 11:30 हो गया, मेरे जाने का टाइम आ गया, अब ट्रेड नहीं करे तो अच्छा है, क्या बोलते हो? सही है सर, एक्सपायरी है वैसे भी आज। एक लास्ट ट्रेड देके जा रहा हूँ सर, इवनिंग टाइम में देखेंगे सर, इवनिंग टाइम में देखेंगे, फिर भी एक लास्ट ट्रेड देके जा रहा हूँ। 19,650 का पुट ऑप्शन, ठीक है, विद अ सरप्लस ऑफ 28 रुपीज, बाय एंड होल्ड, इज इट क्लियर? वो 40 रुपए हुआ, 34 से 40 हो गया, 10 पॉइंट्स का सरप्लस के हाथ में, सरप्लस फॉर द डे, कंप्लीट सरप्लस फॉर द डे, इट हैज ब्रोकन दिस नाउ, राइट, इट हैज ब्रोकन दिस नाउ, सो दिस विल बी फाइनल। अब दिस कॉल ऑप्शन इज एब्सोल्युटली आउट, दिस कॉल ऑप्शन इज एब्सोल्युटली आउट, ठीक है।
पुट ऑप्शन लेके बैठ जाइए 10 पॉइंट का, दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर द डे, इज इट ओके? ये एक 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 लॉट की सुबह से जितना भी पैसा कमाया उसमें से एक लॉट तो लेके छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो? कहीं भी लो, स्टॉप लॉस इज 28 रुपीस बॉटम, 28-25 जो भी स्मार्ट स्टॉप लॉस लेंगे, बट दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर द डे फॉर दिस पुट ऑप्शन एंड टारगेट्स विल बी मिनिमम 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 एटलीस्ट 44-50 रुपीज के आसपास तक मिनिमम, ठीक है? These are the targets and it can go higher also, not a problem. So, market यहाँ से गिरना start होगी तो अच्छी खासी correction देगी, but Nifty कहाँ जाके settle होगी वो important है. Nifty settle जहाँ पे होगी वो बता देता हूँ. Nifty की settlement कहीं ना कहीं जाके अगर Nifty का fall आता भी है तो 570-580 के आसपास settlement होनी चाहिए. 600 is a very good support. तो 600 के आसपास में call option buy करना, 630-640 के आसपास जाएंगे put option buy करना. अब ये game रहेगा, कर सकते हैं कीजिएगा, जो नहीं कर सकते बाहर रहिएगा प्लीज. 40 रुपीज पुट ऑप्शन कॉटेड बॉटम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 27 रुपीज, 28 रुपीज फाइनल ट्रेड. चलिए मेरी तरफ से बाय है, ठीक है, अब मिलेंगे सेकंड हाफ में. इज इट ओके? इज इट ओके गाइस? चलिए बाय, नो मोर ट्रेड नाउ, नो मोर ट्रेड नाउ, कंट्रोल योर ग्रीड्स, कंट्रोल योर बाय 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 बाय. जाते जाते किसी को स्क्रीनशॉट शेयर करने कर दो, शादी नामी का ले लेते हैं 2181 रुपए, बहुत बढ़िया सर. बाय बाय बाय, 30 पॉइंट मिले, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया. चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय, बाय. थैंक यू सर.